ये खींचा यार तो। ओपे यार क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई। हेलो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से वही गेम खेलने जा रहे हैं जिसके पार्ट वन को देखने के बाद आधे से ज्यादा लोग वीडियो छोड़ के भाग गए थे। यप, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2। अब आप में से जिन लोग को नहीं मालूम कि आखिरकार पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 में क्या हुआ था, उनको तो मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं। बट या मुझे इतना मालूम है कि चैप्टर 2 चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है और बहुत ज्यादा हॉरर भी होने वाला है, तो मजा तो फुल आएगा। बट यार मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। तो हम लोग एक बहुत बड़ी हॉरर अबैंडेंड टॉय फैक्ट्री में चले जाते हैं टॉयज वगैरह ढूंढने के लिए, क्योंकि वो फैक्ट्री बहुत टाइम से बंद पड़ी होती है। बट फैक्ट्री में जाते ही गेट बंद हो जाता है, हम लोग इस फैक्ट्री के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि वहां पर होता है हगी वगी, इसको तो आप जानते ही होंगे, प्यारा सा गुड्डा, गुड्डा नहीं भुड्डा, पता नहीं जो भी है। तो इसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं और फिर इधर से उधर जाते रहते हैं, हमारे पास दो ऐसे हैंड्स मिल जाते हैं। मीन्स आप लोग कह सकते हो कि हमें कोई डोरीमोन का गैजेट मिल जाता है जो कि हैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग बहुत दूर दूर तक भेज के यूज कर सकते हैं वहां पे चढ़ने के लिए, सामान उठाने के लिए और भी बहुत कुछ। और फिर इन हैंड्स को और अपने दिमाग को जो कि है नहीं, यूज करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं एंड तक, जहां पर हमें एक डोल मिलती है जिसको हम लोग आजाद कर देते हैं और वहीं से आती है प्रॉब्लम। और अब आता है चैप्टर 2। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2। बाकी ये गेम अपना कहां से और कैसे स्टार्ट हुआ है मुझे कोई आईडिया नहीं। ओके, तो स्टार्टिंग कुछ चैप्टर 1 जैसी है, एक टॉय की एड, क्योंकि प्ले टाइम एक टॉय कंपनी है, मतलब कंपनी थी जो कि अब बंद हो चुकी है। तो ये इनका नया टॉय है जो कि इलास्टिक प्लास्टिक। ओके, ये एक ऐसा टॉय है जिससे जितना मर्जी खींच सकते हैं, टूटेगा नहीं, और यही मॉन्स्टर होने वाली है। ओके, अभी तो बहुत क्यूट सी लग रही है। डन, वेक अप। ये आवाज एक आई है, ऐसा लगा मेरे को रियल में आई। आप लोग भी हेडफोन लगा लो क्योंकि काफी अलग फील आने वाली है इस गेम में। बाकी एड तो हो गई, बट स्क्रीन में ये वही प्ले टाइम फैक्ट्री का सीन था और मुझे स्क्रीन में कोई शक्ल दिख रही है। भाई किसी की तो शक्ल आ रही है स्क्रीन पे, दो आईज है, नीचे लिप्स है और हाँ फेस है। और मैं उठा हुआ हूँ। पॉपी प्ले टाइम, काफी मस्त स्टार्टिंग चैप्टर 2। ये इंट्रो था और इंट्रो अलग ही होता है भाई इस पॉपी प्ले टाइम सीरीज का। लेट्स गो। डन। तो यही है गाइस वो जगह, मैंने बोला था ना एक डॉल थी जिसे हमने गलती से आजाद कर दिया था। तो देखो यही है वो जगह जहां पर वो डॉल पड़ी थी, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा अंधेरा है इसलिए सही से नजर नहीं आ रहा होगा। खैर अभी मुझे यहां से बाहर जाना है या फिर कहां जाना है मुझे कोई आईडिया नहीं। आगे कोई रास्ता है नहीं, यहां तो बहुत अंधेरा, आई थिंक मुझे यहां से बाहर ही निकलना है। वैसे मैं यहीं से आया था, वापस यहीं को जा रहा हूं। क्या पता कोई एक नया रास्ता आ गया हो या फिर कोई जगह अनलॉक हो गई हो। बाकी यहाँ पर लेफ्ट में पुराने दिन याद आ रहे हैं मुझे। ये रहा वो एक घर जो कि बहुत बड़ा था, बट उसका टॉय यहाँ पर पड़ा हुआ है, असलियत में घर बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक ये लैंप है, ओए ढंग से जल ले या फिर बंद हो जाए, एक्टिंग नहीं, बड़े बदतमीज लैंप है। बंद चालू, बंद चालू हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक डोर है, यहाँ से इसी को ओपन करना था। और कुछ ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑयल वगैरह डालो यार, बहुत तेज़ आवाज़ निकाल रहा है गेट। ओके, तो यही है गाइस वो प्ले टाइम फैक्ट्री, और ये रहा अपना प्यारा हगी वगी जो कि सच्ची में बिल्कुल प्यारा नहीं है। मुझे यहाँ से फटाफट आगे बढ़ना है। इस तरफ में एक स्टेयर्स का रास्ता जो कि लॉक होगा, मुझे पता था ये बे है, ये भी लॉक होगा। मुझे सामने ही जाना है क्योंकि मुलाकात होगी ना अभी अपने नए मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर तो नहीं पता कौन बोला दिस वे, किसी ने तो बोला है। खैर ठीक है, मुझे यहाँ पर सामने एक दरवाज़ा है, पता नहीं कहाँ का है, ये लॉक्ड है। लेफ्ट साइड में एक और शटर बंद हो रखा है और वहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है, बट ये वाली चीज़ को मुझे शायद ओपन करना है। यहाँ पर एक टॉय पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। ये देखो गाइस, ये है अपने वो दो हैंड जिसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, बहुत कानून के हाथ है, बहुत लंबे है ना ये, देखो कहीं पर भी फेंक सकते हैं। तो मेरे को कोई भी चीज़ दूर से मंगानी है, कोई बटन दबाना है, तो मैं अपने इन हैंड्स को भेज सकता हूँ। और ये क्या एक जगह है यार, कौन बोल रहा है कीप गोइंग, वेट, शायद मैं समझ गया हूँ यहाँ पर क्या करना है। ओके, तो ये जो है ना ऊपर ये रास्ता टूटा हुआ है, मुझे सामने जाना है, मैं जंप मार के जा नहीं पाऊंगा, तो मुझे शायद से लटक के जाना है आई थिंक। यप, मुझे ऐसे ही जंप करके, मतलब जंप नहीं, अपना ये हैंड को थोड़ा सस्ता स्पाइडरमैन हैंड्स बना के यहाँ पर आना था। बाकी मैं फैक्ट्री में आराम से घूम रहा हूँ अकेला हूँ, बट यहाँ पर कोई है नहीं। प्रेस हेयर, ये लो उतरी।
क्या था ये? हेलो, नहीं नहीं नहीं, ओ वेट, यहाँ पर एक डोर है, शायद मुझे यहाँ जाना है। सारे डब्बे हटाता हूँ पहले मैं यहाँ से, ये चलो साइड हटो और इसको भी हटा देता हूँ। चलो अभी ये रास्ता मैंने थोड़ा साफ कर दिया, मैं अंदर जा सकता हूँ। यस, मैं अंदर जा सकता हूँ और मुझे यहाँ से एक चाबी मिल गई है। इस चाबी को ले लेते हैं और ये जो चाबी है वो उस लकड़ी वाले दरवाजे में लगेगी, इतना तो मैं समझ गया हूँ। बाकी ये हटेंगे, अरे ये बंद हो रखा है, शायद ये वाला रास्ता भी मेरे को खोलना है। ठीक है, मतलब एक रास्ता लेफ्ट साइड में था, पहले वहाँ पर चलते हैं, फिर उसके बाद शायद मुझे यहाँ पर आना है। डन भाई, क्या मस्त है ये, झूला भी हो जा रहा है और हम लोग एक दूसरी जगह पे पहुँच जा रहे हैं। बाकी ठीक है, मैं की लेकर आया हूँ, वो यहाँ पर मैंने लगा दी। और सारे दरवाजे इतना साउंड क्यों कर रहे हैं इस जगह के? ठीक है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। एक, ओ मुझे कुछ मिला, पता नहीं क्या मिला बट कुछ तो मेरे को मिला है। बाकी ऊपर एक वेंट है और सामने, ओ फिर यहाँ पर हैंड्स का बना हुआ है, क्या मुझे अपने हाथ मारने हैं? ओ ये मेरे को खींच के तोड़ना था। ठीक है, एक नया रास्ता ओपन हुआ है जिसके अंदर चलते हैं और अब गड़बड़ शुरू होने वाली है। अब शायद थोड़ी सी इस गेम में पता है क्या होता है, ये अचानक से हॉरर बनती है। मतलब एकदम पहले शांति रहेगी, फिर झटके से कोई सीन नहीं होगा। बाकी अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। oh, पागल है क्या, ये वही डोल है? Okay. इतनी प्यारी बननी की कोई एक्टिंग करे, चाटा मारूंगा दूर से ही। ये ले, सीधे हाथ का चाटा, ये उल्टे हाथ का ये तो थप्पा पड़ रहा है उसके मुंह पे। बाकी ठीक है, ये ना इलेक्ट्रिसिटी वाला सीन है तो मेरे को ना इसमें पावर देनी है। तो पहले अगर मैं यहाँ से उसे पावर लूँ, देन अरे यार वेट, कैसे करते थे मैं भूल गया। इस पोल से अटैच करा, देन इस पोल से अटैच करना है मेरे को, और लेकर कहाँ जाना है पावर? ओ यहाँ पर डालनी है पावर। ठीक है, ये मेरा उतना हैंड जा नहीं रहा। हो गया हो गया हो गया हो गया, ताली क्यों बजा रही है? I wanted to thank you for freeing me. Oh. I was stuck in there for so long. ये खुश है कि हमने इसे आजाद कर दिया, वही डोल है एनाबेला सी शक्ल की। कहाँ पर? ट्रेन स्टेशन है पास में। यार ये कहाँ जा रही है, उसकी आवाज गूंजती हुई आ रही है मुझे सीमेंट से। शायद मुझे यहाँ से वापस जाना है क्योंकि यहाँ पर मैं जा ही रहा था वापस, अचानक से आके इसने डरा दिया भाई। वेट, यहाँ से चढ़ के ये मैं आ गया वापस। लेट्स गो, पता नहीं ये रास्ते, शायद अभी इसने वो तीसरा वाला दरवाजा तो नहीं खोल दिया मेरे लिए, पता नहीं। मेरे को पावर देने ही तो जाना था। पागल है कि ग्रैनी की तरह बोल रही है। ओके, वापस मेरे को, हाँ इसने वाला रास्ता खोल दिया गाइस शायद से, वो जो हम पावर, ओ खोला नहीं है, अब हमें खोलना है। पहले इधर ब्लू हैंड, इधर रेड हैंड, और अभी ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो शायद ये रास्ता खुल जाएगा। लेट्स गो, बहुत अलग होने वाला है, ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में काफ़ी फन आ रहा है भाई। मतलब टास्क बहुत सारे और बहुत अलग अलग हैं। अभी मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा? वेट, ये हार्ड लग रहा है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, रिस्क लेते हैं, हाथ ना खुल जाए मेरा। पहुँच गया भाई, इतना देखने में हार्ड था बस। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लेट्स गो। अपने हाथ बहुत खतरनाक है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। ये वाला दरवाज़ा लॉक है, ये भी लॉक है, ठीक है। बाकी ये वाला दरवाज़ा ओपन होगा, यहाँ पर एक वेंट है, ये ओपन कर सकता हूँ मैं? नहीं, पीछे पीछे भी एक वेंट है, वो यहाँ पर आएगी। वो जो डॉल है ना, वो मेरे साथ साथ ही चल रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी अभी मैं ये, ये नहीं वो, हेलो तू पहुँच गई मेरे से पहले। भाई वो डॉल तो अच्छी थी, स्टार्टिंग में देख के उसे डर लग रहा था और उसकी जो हंसी है वो भी बहुत बुरी है, बट अभी जो पिंक हैंड आया था ना, ये मॉमी का ही है भाई। वेट, ये हग्गी वग्गी की बहन है क्या? मेरे को भी क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। सामने के दरवाजे गेम स्टेशन प्रोडक्शन इनोवेशन और प्ले प्लेस, पता नहीं क्या है। मैं नीचे जाना है क्या? ट्राई करूँ क्या नीचे जाने का? ये तो कुछ है ही नहीं पूरे, मैं कहीं ब्लैक होल था भाई पूरा एकदम, ये अंधेरा अंधेरा। बाकी कुछ तो आया, कुछ तो आया, मैं सही आया हूँ। यहाँ पर मस्त लाइट आने लगी। और वेट, ये मैं कहाँ निकला? ये तो मैं एकदम अलग ही जगह पर आ गया हूँ, सामने गेम स्टेशन। पावर यहाँ पर कहीं पर तो हमें पावर डालनी है, फिर शायद से वाला डोर खुलेगा। देखो यहाँ से ना एक तार जा रही है और वो जा रही है पावर वाले स्टेशन में, मतलब पावर का इधर कुछ तो लिखा हुआ है। बाकी ओ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कुछ तो है जो हमें सॉल्व करना है, कुछ तो मस्त पजल है। देखो सीन क्या है, यहाँ से हमें पावर लेनी है। ओ पावर कट कैसे हुआ? यहाँ से मैंने पावर लिया तो मैं उसमें डाल रहा हूँ तो ये जा नहीं रहा, क्योंकि हमें इन पोल में भी कनेक्शन देने हैं। अब मैं इसे, वेट 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 वेट,
बॉल पे कुछ लिखा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इस पे देखो लिखा हुआ वन, यानी हमें और उस पे लिखा टू, इन दोनों को कनेक्ट तो करना है, बट एक सही तरीके से। देखो मैं इससे पावर ले रहा हूँ और मैं इसको पावर दे रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से नीचे से कुछ रेड कलर का आता है जो कि पावर कट कर रहा है, तो क्या मैं अगर इससे अरे यार इस रुको वेट 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 अगर मैं पावर यहाँ से लेकर पहले इससे कनेक्ट पहले अगर इससे कनेक्ट कर दूंगा तो भी दिक्कत है। क्या करे क्या करे, यहाँ से कर लूँ? नहीं, ये पजल में कुछ तो अलग करना है हमें। क्या किया जाए अगर मैं पावर यहाँ से लेकर आऊँ और फिर उसको मैं यहाँ से ले जाकर अगर इससे कनेक्ट करूँ तो क्या पॉसिबल है? वेट, यहाँ से घूम के मैं जाऊँ और यहाँ से कनेक्ट करूँ। वो नहीं कट हुई, हमें वो ब्लू पाइप का यूज़ करना था ताकि अपनी तार बाहर से आए, बट हुआ तो सही यूज़ है। ओ समझ गया समझ गया समझ गया, मुझे यहाँ से जाना है और ये उधर टच करना है। भाई क्या खतरनाक फसल थी। और ये देखो ये जारी पावर गई 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 और ये अंदर चली गई और लेट्स गो, दरवाज़ा ओपन हो चुका है। भाई मजे आने वाले। ओए ट्यूबलाइट क्या हो गया? भाई ये बंद चालू बड़ा बुरा लगता है मेरे को। ठीक है, यानी अभी मेरे को सामने जाना है और वहाँ पर साफ साफ बड़ा बड़ा हैंड दिख रहा है, तो मुझे वहाँ पर ले जाके अपना ये हैंड ऐसे कनेक्ट करना है। मेरा हाथ किसने पकड़ा? ओ तोड़ दिया। ओ, ये कहाँ से आ गई भाई अभी से ही? भाई पीछे रह पीछे रह पीछे रह, मुंह पे ये ले ये ले। ओ नहीं, दूसरा हाथ भी तोड़ देगी। इससे पंगे नहीं लेने भाई, ये क्या है? चुप चुप, गेम स्टेशन यार ये हमारे साथ खेलना चाह रही है। उसको मार दिया क्या भाई? यही है पॉपी। हाँ ये डॉल पॉपी है। भाई चुप। ओके बहुत ही बुरा होने वाला है हमारे साथ इस गेम में। हमारा एक हाथ जा चुका है। ठीक है, सामने का दरवाजा ओपन हो गया। गेम स्टेशन में जा, ऐसा लगा पीछे कुछ गिरा भाई। खैर ठीक है, वेलकम भाई। क्या ये क्या है? ये एक अलग ही प्यारा सा टॉय है यार, कितना मस्त है, बट इसके ऊपर इसको शायद किसी ने मारा है भाई, पता नहीं। खैर ठीक है, वो सब ठीक है। यहाँ से जाकर इसे ओन करता हूँ, ये वाला दरवाज़ा खुलने वाला है। वेलकम टू गेम स्टेशन। ये है वो गेम स्टेशन। छोटा नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। ऐसी जगह रियल में होगी, मेरा मन तो बहुत ज़्यादा है जाने का, बट अगर ये सब लोग वहाँ हुए तो मैं नहीं जाऊँगा। वैका वगी, बहुत सारी गेम्स है इधर। म्यूजिकल मेमोरी, और ये क्या है? स्टैचूज। भाई तीन टाइप के गेम है यहाँ पर, और बाकी सामने एक ट्रेन है। क्या मैं ट्रेन चला? क्या बजाए? ओ इधर कुछ तो है, पता नहीं क्या है, इसे खींच के देखता हूँ क्या हुआ। हाय स्टेला, ओके हमारे पास तीन गेम है ये वाले। ओके म्यूजिकल मेमोरी ये वाला। ओके तो इसने बताया तीन गेम्स है, शायद से हमें तीनों गेम खेले। और म्यूजिकल मेमोरी का दरवाजा खुल रहा है। मजा आने वाला है भाई, लेट्स गो। तो ये तीन गेम खेलनी है शायद से मैं आगे बढ़ने के लिए। एक ये म्यूजिकल मेमोरी और एक स्टैचूज एंड वैका वगी। फिर उसके बाद शायद ये तीनों चीज़ें ओपन हो जाएगी और मस्ती होने वाली है बहुत ज़्यादा। बट ये तीनों गेम्स इस टाइम पर अपने लिए कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनी हुई है। खैर सामने का रास्ता बंद है, हम लोग गेम खेलने नहीं जा सकते, हमें घूम के आना पड़ेगा सामने। बाकी ये दरवाज़ा ये भी लॉक्ड है यार। ये शटर खुला होता मैं सीधा चले जाता, पर कोई नहीं, अभी मेरे को घूम के जाना है तो जाना है। बाकी कोई डराएगा नहीं बेमतलब मेरे को, मैं चुपचाप से जा रहा हूँ। रास्ता बंद है क्या? ये नीचे नीचे जो गड्ढा टूटा हुआ है ना, वो देखिए यार कितना घूम के एक हल्का सा सामने जाने के चक्कर में एक रास्ता बंद था। तो देखो भाई कहाँ से आना पड़ रहा है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मोल्डिंग रूम यार ऐसा। ओ वेट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ये शायद से, नीचे हो जा लाइट। ओ वाह लाइट आ चुकी है। एनवायरमेंट बहुत प्यारा है भाई इस गेम का। बाकी यहाँ पर एक क्या बज रहा है? कुछ तो सीडी पड़ी है इधर, कैसेट है। ये कैसेट ले लेता हूँ। ये
कैसेट प्ले होती है शायद, वो रहा सामने टीवी है, यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो इस कैसेट को मैं यहाँ लगा देता हूँ और अभी प्ले हो जाएगी तो हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा हमें क्या करना है कैसे करना है इस टीवी में इसका ट्यूटोरियल देख के। ये म्यूजिक बड़ा यार उदास कर देता है मेरे को, तो पता नहीं क्या हो गया। ग्रीन हैंड, हाँ हमारा हैंड चोरी हुआ है, बट ये ग्रीन हैंड कुछ अलग चीज है। टू टेम्पररी होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ओ 10 seconds इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा इसमें, आफ्टर 10 seconds द चार्ज रन्स आउट। ओके तो यहाँ पर क्या एक हैंड बनने वाला है, शायद हम लोग ना भाई एक अलग जगह आ गए। ये देखो यहाँ पर हैंड्स के पीस पड़े हुए हैं। तो अभी मॉमी जो है वो हमारा एक हैंड चोरी करके ले गई है, रेड हैंड। तो अब हम एक हैंड और बना सकते हैं जो है ग्रीन हैंड, बट ग्रीन हैंड की एक स्पेशल एबिलिटी है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड रह सकती है। मतलब अभी तक ऐसे हम तारे जोड़ते थे ना ले चले जाके, अब मैं सीधा उठा के ले जाके रख सकता हूँ। ये मस्त हुआ, बट होगा कैसे वो नहीं पता। जैसे यहाँ पर एक लिक्विड का ये दबाना है क्या, वेट इसको दबाता हूँ मैं। वो देखो ऊपर से बॉल्स आना शुरू हो गई है, यहाँ पर वो हैंड बनने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ। ओके इतना तो हो चुका है, अब शायद से मुझे नेक्स्ट वाला करना है। ये दबा दिया मैंने, अब ये जो लिक्विड है ये यहाँ से जाना शुरू। बंद हुआ ना, बंद हो गया, दोबारा दबाता हूँ ये लिक्विड। मैं समझा नेक्स्ट टास्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो पाइप है मुड़ी हुई है, तो इसको खींच के मुझे यहाँ पर जोड़ना है। और अगर अब मैं करूँगा तो वो जो लिक्विड है वो हैंड बनने के लिए आगे जाएगा उस पाइप के थ्रू और यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि पाइप तो यहीं जा रही है। लिक्विड गया और ये देखो ये आ गया, और ये सारा का सारा लिक्विड यहाँ पे आके गिरा, हैंड बन गए हैं, गोल गोल घूमने लग गए। पर अभी आगे क्या होने वाला है, वो नीचे गए 5 हैंड, यहाँ पर अभी आगे जाएंगे, यप ये आके आ रहे हैं। इसके बाद भी कुछ 2 टास्क बचे हैं, देखो यहाँ पर भी मेरे को हैंड, ये 2 चीज़ें पता नहीं क्या होने वाला है इसका, बाकी हैंड तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इसके ऊपर ये लिक्विड डलना है क्या, पता नहीं क्या ये, इस पर दबाता हूँ, ये दबा और यहाँ से पेंट गिर रहा था, नो पेंट इन मशीन। तो ये मशीन में हमें पेंट डालना है क्या, नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है यार, ऐसे लग रहा कोई चल के आ रहा है मेरे को मारने के लिए, डराओ मत प्लीज़। दोबारा से दबाया, नहीं यार पेंट नहीं गिर रहा यार, फिर अच्छा ये इसी की आवाज़ है, पेंट खाली है ना तो उसी की आवाज़ आ रही है, मुझे उसे भरना होगा। तो मेरे को शायद ऊपर जाना है क्या, पेंट ढूंढना है और उसमें भरना है। पहले तो मैं उस मशीन के पास चलता हूँ, देख कर आते हैं कि पेंट डलेगा कहाँ से, तभी तो आगे की चीज़ हमें समझ आएगी। बाकी ये देखो, ये देखो यहाँ पर लाइट जल रही है, ये मशीन है और ऊपर कुछ तो है, वो क्या है पता नहीं, वो कुछ तो मिला ठीक है। यही है क्या पेंट, ये पेंट तो यहाँ पड़ा हुआ था, इसको लगा देता हूँ इसमें। ईजी है यार, ईजी छी भाई, मजाक हो गया, मेरे को लग रहा था बहुत मुश्किल होगा पेंट ढूंढने में, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बट मजाक था। अब बस वो पेंट खाली ना हो, नहीं था खाली, लेट्स गो। ग्रीन हैंड हमें 1 चाहिए था और हम लोग 5-5 बना चुके हैं, डन भाई। 5वां ये डला और बन गया, ओए बंद, ओए डाल दिया मैंने पेंट, अब क्या करना है निकालना है, यप ये दबा दिया और अब ये जो हैंड है ये बाहर आ जाएंगे और हमारे पास हो जाएगा हमारा दूसरा हैंड। लाओ भाई, ओए मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया ये, अच्छा मेरे को इस हैंड से नहीं उठाना था, डायरेक्ट छोटे जो टूटे वाला हैंड है उसी से उठाना था। मेरे पास 2 हैंड हो चुके हैं और यहाँ पर एक दरवाजा है, डेंजर डू नॉट एंटर। समझा, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो एक ग्रीन हैंड से मैं इलेक्ट्रिसिटी लूंगा और इसको दे दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब पहले मैं अंदर आ जाता हूँ, फिर मैं वाली अपने हाथ को वापस खींच लेता हूँ। लेट्स गो भाई, अब मजे आने वाले हैं। अच्छा पीछे का दरवाजा बंद हो गया भाई, वाओ, डू नॉट एंटर, बंद है ये, राइट में रास्ता है क्या, ये ओपन है, प्लीज कोई ज्यादा डराना मत यार, कसम से हालत खराब है, लेट्स गो। पता नहीं कैसी टूटी भाई, फाइनली ये देखो गाइस, यही है वो शटर जो बंद था, फिर मैं यहाँ से राइट गया था ना, कहाँ से घूम के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। बट अच्छी बात तो ये है कि घूमने के बहाने हमें एक नया हैंड मिल चुका है जिसके अंदर एक स्पेशल पावर है, लेट्स गो। पता नहीं मैं कैसी जगह पर आ गया, और ऊपर देखो, ओए ये क्या है, प्ले टाइम भाई, ऊपर ये वही है जो मंकी बना हुआ था, म्यूजिकल मेमोरी। This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain. Brain test होने वाला है हमारा। And efficiently your brain works. Okay.
sequence of colors will be shown. सीक्वेंस वाइज कलर्स हमें दिखाएंगे यार, थोड़ा बहुत स्क्विड गेम फील आ रहा है मेरे को. गेम्स कुछ वैसे सही है. ये ऊपर से क्या आ रहा है? समझ गया, मैं समझ गया. इजी है भाई, इजी है. स्पीकर कहाँ है? स्पीकर बंद करो, बहुत मजाक है मेरे लिए. ओके. The test will become more difficult as it continues. और ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो और डिफिकल्ट होता जाएगा. ओके, ठीक है, मैं रेडी हूँ. तो टेस्ट होने वाला है, हमें कलर्स बताएंगे और हमें उन कलर्स पे टैप करना है. सुनने में बहुत इजी लग रहा है. ओपे भाई, चुपे. ये क्या आ रहा है यार ऊपर से मेरे कान पे? ना पन 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 मत बजा दियो. बाप, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं. तेरी बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, तू जा यार. चुप, देखना इसको. ठीक है भैया, फनी फनी. ठीक है, अब अपना शायद से गेम स्टार्ट होने वाला है. ओह ओह ओह, क्या क्या हुआ? रेड रेड कहाँ है? ये रहा रेड. इजी. रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू. ठीक है, ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू ब्लू. ठीक है, ब्लू ब्लू. ओ, रेड ग्रीन ब्लू ब्लू ग्रीन. इजी. ओ, शायद से कंप्लीट. राउंड टू. येलो येलो, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन रेड, येलो ग्रीन रेड ब्लू, येलो ग्रीन रेड ब्लू येलो. ओ वायलेट, येलो ग्रीन रेड ब्लू येलो वायलेट. ओ कंप्लीट. लेट्स गो राउंड थ्री. भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये एक्स्ट्रा वायलेट कब में आया, बट ठीक है, राउंड थ्री ढंग से खेलना है. रेड व्हाइट, ओ रेड व्हाइट, ऑरेंज. ओ ठीक है, एक कलर्स बढ़ते जा रहे हैं. रेड व्हाइट ऑरेंज, ओ रेड व्हाइट ऑरेंज व्हाइट, रेड व्हाइट ऑरेंज. ओ रेड व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज. ओ रेड, रेड रेड. अरे यार कंफ्यूज हो गया. रेड व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज वायलेट. ओह इजी भाई, वो लास्ट टाइम ऐसे गलती होगी, करना रेड पे था, वो जल्दबाजी में खराब होगा. राउंड फोर. ब्लू ब्लू जे, ब्लू जे कहाँ से आ गया? ब्लू जे हार्ट, ब्लू जे हार्ट, जे हार्ट क्वेश्चन मार्क. ब्लू जे हार्ट बोल भी रहा हूँ फिर भी क्वेश्चन मार्क पे गलती से टाइप कर दिया. पता है मुझे, पता है, पता है. ब्लू जे हार्ट क्वेश्चन मार्क, पाए. ब्लू जे हार्ट क्वेश्चन मार्क पाए, क्वेश्चन मार्क पाए. ओके, ब्लू जे हार्ट क्वेश्चन मार्क पाए एंड रेड. ओ ये क्या है? राउंड फाइव. क्या कुछ भी भाई, हेलो क्या हो रहा है? ये कुछ समझ नहीं आ रही. ये क्या है ये? एक सेकेंड रुक, ये क्या था? ओ मैंने खराब कर दी गेम. Yes, it broke. No fun. Okay. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you
क्यों कर रही है मेरे साथ मस्ती यार? ये क्या हो रहा है? उसने देखना अपना हाथ वहां से डाला वेंट में और ऊपर से आ रहा है कुछ चीज दे रही है। क्या ये दो? वेट, ये क्या भेजा है? ट्रेन कोड है ये। ओह, तो इस ट्रेन कोड का मैं क्या अचार डालूं? अच्छा नहीं, वहां ट्रेन खड़ी थी। ओह, उस ट्रेन में कोड डलेगा। ओके, अच्छा मेरे साथ खेलना ही है, ठीक है। बाकी वो तो यहाँ से जा चुके हैं और मेरे लिए एक नया रास्ता यहाँ पर आ गया है वापस जा। ओपे पैस की रास्ता आया क्या मेरे को गिराने के लिए था? बाकी ठीक है यहाँ पर। ओह सामने वेंट है, मैं काफी देर से इधर देख रहा था, लाइट तो चल रही है और यहीं से शायद मुझे जाना है इसको तोड़ के। चल भाई हट, अब फटाफट मैं यहाँ से जाता हूँ अंदर और ये वेंट मुझे शायद से उसी के पास लेकर जाने वाला है। भाई क्या फन भी हो रहा है पर डरते डरते फन हो रहा है यार। ये टास्क मस्त मस्त मिल रहे हैं भाई, बट ठीक है भाई। राउंड 5 क्या हुआ था यार वो? छी, लेट्स गो। अभी तो लेफ्ट साइड से बहुत बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, इग्नोर मारो छोड़ो, जो हेडफोन में देख रहे हैं वो फील कर सकते हैं। लेट्स गो भाई, प्ले केयर। मैं शायद से ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर जो टॉयज टूट जाते हैं या फिर हाँ मतलब जो रिफर्बरीज होने के लिए आते हैं वो यहाँ पर आकर रिपेयर होते हैं। मेरे को कूदना ही है ना? हाँ शायद कूदना ही। लगी नहीं, ठीक है हमें लगी नहीं, हमारे पास स्पेशल बूट्स हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे टूटे टूटे टॉयज हैं, अब इनमें से कोई टॉय अलाइव ना हो। मान लो तीन बैठे हैं फिर एक हंस के बातें करने लग जाए ना तो वो बड़ा दिमाग खराब करता है। बाकी ये क्या है? कुछ मिला मेरे को ऊपर शायद, है कुछ तो है। हाँ मैं ले नहीं पा रहा हूँ, बट इसे पास जाना है, पता नहीं क्या है जो भी। ऐसे खींच सकता हूँ मैं नीचे? आई थिंक मैं उसे नहीं खींच सकता, शायद वो बहुत ज़्यादा ऊपर है इसलिए मैं उसे खींच भी नहीं पा रहा। बाकी यहाँ पर क्या करना है मुझे कोई आइडिया नहीं। एक बार यहाँ पर चढ़ के देखते हैं, पता नहीं ये कहाँ को, मैं चढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। वाओ, ये कैसा डायनासोर है भाई। छी यार, ये टूटी हुई टॉय वाली जगह पर आना जरूरी था क्या? पता नहीं। ओ नहीं, यहाँ पर रास्ता है आगे जाने का। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेने का है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या करना है पता नहीं। बाकी ये रहा उसका टॉय मॉमी का, बट ये तो ऐसे बहुत, ये हिला क्या? हट तेरी भैंस की टंग, तू निकल यहाँ से। पप, पता नहीं क्या अलग ही डर आ रही है भाई ये मेरे को। बाकी ठीक है, यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है ना, मैं इसकी टेल से क्लाइंब कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसकी टेल से क्लाइंब तो नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बटन है, शायद इस पर खड़े होकर मेरे को ये लिफ्ट करना है। ओ ये ऊपर जा रहा है बट लिख कर आ रहा है वार्निंग वेट कैपेसिटी रीच्ड, शायद ये रखा हुआ, ये बहुत भारी है तो थोड़ा सा कर दो, मैं जंप मार के चले जाता हूँ। या जंप मार के, ओ शायद हम इतनी ऊंची जंप नहीं मार सकते, मुझे इसको हटाना है ना, इसको खींच लेता हूँ मैं। ओ मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रहा, दोनों हाथ से भी नहीं पकड़ पा रहा। यहाँ अंदर कुछ है? दरवाज़ा लॉक्ड है, ये क्या है? तेरी ऐसे की तैसे तेरी भैंस की, इधर आ, ए निकल लेट, चुप छाप यहाँ पर पड़े रहे। बाकी करना क्या है समझ नहीं आ रहा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेने का तो है बट इलेक्ट्रिसिटी लगानी कहाँ पर? ओ ये क्या है? ये कुछ तो है, ये खींचो, ये क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया पर कुछ तो हुआ है, समझ नहीं आ रहा। लॉन्च विद एवरी फ्राई कोल्ड रिटेल स्टोर टू रिटर्न एसपीए शिपमेंट्स, पता नहीं यार क्या चीज़ है, मेरे को तो अभी कुछ खास समझ नहीं आ रही। बाकी यहाँ पर एक बॉल है, इसका भी कोई रोल मेरे को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, शायद वहां से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। ओ वेट, ये देखो गाइस, यहाँ पर एक वो मशीन है जो चीज़ों को उठाती है, शायद ये मुझे वहाँ तक लेकर जानी है। इसको खींच के लेकर चलता हूँ। आ जा भाई, यही करना है। इसको ये पकड़ा मैंने और यहाँ पर इसका पूरा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से इसे खींचते हुए ले जाना है। लेट्स गो, चलते जाता हूँ, शायद ये रास्ता वहाँ तक जाए, यहाँ से आएगी वो। ओ मेरा हाथ कहाँ रह गया? ये पकड़ा, ये खींचा और यहाँ से गोल घूमेगा, ये घूमा, घूम जा या आ जा पीछे को वापस। वेट, मेरा ना हैंड अटक रहा है उधर, पहले मेरे को इधर लाना है थोड़ा सा, देन इसको इधर से ले जाकर पूरा खींचना है अपनी तरफ और अभी शायद से ये उस जगह पर पहुंच जाएगा। यार क्या मस्त मस्त टास्क करने को मिलते हैं पॉपुलर प्ले टाइम सीरीज में। लेट्स गो, अभी मैं इसको लेकर पहुंच चुका हूं उस जगह पे और ये डायनासोर को मुझे इसके थ्रू उठाना है। भाई टॉय फैक्ट्री के भी अलग ही मजे हैं। डन, यहाँ पर आ चुका है, क्या उठाऊँ कैसे मैं इसको? लेकिन ये चलेगा कैसे? ये दबाऊँ? ना 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 ना, ऐसे नहीं। इसको चलाने के लिए क्या मुझे अपने ग्रीन हैंड से इसको पावर तो नहीं देनी है? ओ उसमें बना हुआ था ये, देखो
यहाँ पर ही बना हुआ था, मैं इतनी देर से ना इसे इधर से देख रहा था तो समझ नहीं आया। बाकी ठीक है, इसने इस डायनासोर को उठा लिया है, मतलब डायनासोर टॉय को, इसे वापस पीछे खींच के छोड़ देता हूँ और अब मैं यहाँ से इसे बटन दबा के ऊपर जा सकता हूँ ना। यस लेट्स गो, यहाँ से पावर भी ले लेता हूँ। नहीं, मेरे हाथ उतनी दूर अभी नहीं जाएगा। ग्रीन वाले हैंड की ना रेंज बहुत कम है, पर यह है कि आए इलेक्ट्रिसिटी कैच करता तो वो बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर दो रास्ते जा रहे थे, मेरे को इस रास्ते पे जाना चाहिए था या फिर उस वाले पे, शायद इम्पोर्टेंट तो दोनों ही हैं। बाकी अभी मैं जिस जगह पर आया हूँ यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रिकल इशू हमें सॉल्व करना है। इस बटन को दबाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ हो ही नहीं रहा। और बाकी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। वाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे यहाँ से पावर लेनी है देन इसको इधर ला के अटैच करना है। ओ ओ ओ ओ, 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 ओ समझा 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 समझा, पहले तो हाथ हटाओ। मैं समझ गया, अगर हम लोग इस पोल को पावर देंगे तो ये वाला पोल कनेक्ट है इससे, ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो मुझे शायद से इसको भी इलेक्ट्रिसिटी देनी है और इस वाले पोल को भी एक ही टाइम पे, और फिर बाद में ला के इन्हें इससे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्या करे क्या करे, यही तो नहीं समझ आ रहा। अगर मैं डायरेक्टली इसको इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये कनेक्ट नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है मुझे पहले इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे इस वाले पोल से भी कनेक्ट करना है, बट फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई। मतलब अभी मैं यहाँ से नीचे नहीं जा सकता और ना ही मेरा हाथ मैं उधर भेज सकता हूँ। ये देखो ये ग्रीन हैंड वहाँ जाएगा ही नहीं, तो पहले तो इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं, इसको नीचे जाने देते हैं। इस वाले हैंड से पावर लेकर मैं अगर यहाँ से जल्दी से कूद जाऊँ और इसको भी पावर दे दूँ ऐसे करके, और अब होएगा डन। ये सिंपल टास्क था, बस देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। देखो सामने का रास्ता खुल गया, अब इस बटन को दबाओ, सब में इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, यानी अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं सही जा रहा हूँ एकदम, और मस्त तरीके से टास्क भी सॉल्व करता जा रहा हूँ। बाकी ये कुछ जगह समझ नहीं आ रही है ज़्यादा, पर भाई मैं कहूँ आंटी कहाँ से आ गई, पागल है तू। बहुत बहुत बड़ा गेम है यार ये पॉपी प्ले टाइम का चैप्टर 2, बहुत बड़ा लंबा जा रहा है। मेरे को लग रहा था अब तक तो मैं बहुत ख़त्म कर चुका हूँगा, बट शायद अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है ये अभी तक, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही चल रही हैं। एंट्री तो होनी बाकी है अभी असली जगह की, और ये मैं कहाँ पहुँचा। ओ नहीं, मैं वापस आ गया क्या यार, देखने में तो ये शटर वैसा से ही लग रहा, आधा खुला हुआ। यार उधर कोई चल रहा है, मैं भाग रहा हूँ। ओ मैं वापस ही तो आया हूँ, ये देखो अभी मैं ये वाला टास्क कंप्लीट करके म्यूजिकल मेमोरी से वापस आ चुका हूँ और अपना अब नेक्स्ट वाला अनलॉक हो चुका है। लेट्स गो, यही मुझे अनलॉक करना था। डन, इसको पकड़ के खींचता हूँ पीछे और पार्ट टू की बारी है। ठीक है, मम्मी इज सुपर प्राउड ऑफ यू, बट आई एम श्योर शी इज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हरसेल्फ। हां ये वैको वगी खेलने जा रहे हैं। ठीक है खोल दो फिर, वैको वगी की बारी है। पता नहीं ये गेम कैसा होने वाला है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ओ कितनी गुस्से में लाइट जलती है सारी, रास्ता ओपन हो चुका है। बट हाँ, इस अंदर जाने से पहले मैं एक चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ, ये ट्रेन मैंने अभी तक चेक नहीं करी थी, इसका दरवाज़ा कैसे ओपन होगा। मेरे पास ट्रेन का एक कोड मिला था ना, ओ मेरा हैंड जा रहा है पर, ओ अब हुआ, निशाना गलत था। ठीक है लोडिंग कंप्लीट, दरवाज़ा ओपन हो चुका है। फटाफट से हम लोग चलते हैं इंजन में और देखते हैं कि आखिरकार करना क्या है उस कोड का। यहाँ पर ये कुछ तो लीवर है, इसे पकड़ के, ओए इसे मैं पीछे नहीं खींच पा रहा हूँ, दो हाथ से, दूसरे हाथ से भी नहीं होगा भाई, ये आ ही नहीं सकता, बहुत टाइट है। यहाँ पर लगेगा वो पज़ल, ये देखो यहाँ पर पहले एक डॉग का फेस, फिर एक ये वगी, फिर एक कैट और मॉमी। तो इसको क्या चेंज करना है, डन, ये नहीं है डॉग का फेस, ये अभी मैच हो रहा है, बस कलर्स नहीं समझ आ रहे अभी इसमें क्या है। आइकन्स मस्ट बी सीक्वेंस्ड आउट इन दिस एग्जैक्ट ऑर्डर, वो तो एकदम ठीक है, 1 2 3 4 परफेक्ट है। बस शायद से मैं यहाँ पर ना कलर भी चेंज कर सकता हूँ, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या इन चारों पे उनको टिक करना है। कोड गलत आ रहा है, पता नहीं ये क्या है, शायद अभी ना मेरे को कलर्स भी आगे और चीज़ें मिलेगी फिर हम लोग उसे कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना तीनों अलग अलग जगह पर जाकर तीन तीन अलग अलग चीज़ें मिलेगी, फिर उसे लाकर मैं ट्रेन को चलाना है। बट ट्रेन को चला के क्या मिलेगा ये नहीं पता, पर इतना पता ट्रेन को जरूर चलाना है। बाकी ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस तरफ में, ये क्या है, गार्बेज, क्या है, ग्रैब पैक स्टोरेज, ओ ये ओपन हो गया। ग्रैब पैक स्टोरेज में तो बहुत सारे हैंड पड़े हैं बट इन हैंड का कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ से चुपचाप बाहर निकलो। पता नहीं मैं अंदर करने जा क्या रहा हूँ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये है क्या वैक वगी, ओ दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है हाँ बताओ, चलो भैया बैठ के देखो करना क्या है। वेलकम टू वैक वगी। This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary ability. Oh,
a dual palm grab pack. Reaction time check होने वाला है. This test. Around you are 18 sizable holes. 18 size के holes हैं. मतलब 18 holes हैं. Out of any one of these holes. Okay. If one comes out, मुझे मारना है. Grab pack. Done. ठीक है. Good luck. Thank you, thank you. तो ये जितने भी हॉल्स आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये जितने भी है, टोटल 18 है, और इनमें से किसी में भी ना ओवगी आ सकता है किसी भी टाइम पे. तो हमें बस उसे मारना है. ओके, तू अब जा यहाँ से. को आ तो रहा है नहीं कोई. थैंक यू. ओह, लाइटें भी बंद होनी थी क्या? ओह, इतना हॉरर माहौल क्यों बन रहा है? आ रहा है शायद, वो आ रहा है. पीछे से आवाज़ तो आ रही है. अरे बहुत सारी आवाज़ आ रही है पर कहीं दिख नहीं रहा है. वो रहा, यही है ना? हाँ यही है. भाग, पीछे से भी आ रहा है. भाग यहाँ से. भाई बहुत सारे आ रहे हैं क्या? ये रहा. भाग जा. भाई क्या सीन है ये? मेरे को साउंड सुनना पड़ रहा है उनका. कहाँ है ये? ये रहा. तू कर क्या लेगा बे? भाग यहाँ से. कहाँ है? और तो मेरे को दिख नहीं रहे. कर क्या लेगा? आइए जरा निकल यहाँ से. भाई आवाज़ निकाल रहा है बहुत खतरनाक. मैं इनसे डर क्यों रहा हूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा. बड़े क्यूट से लग रहे हैं अभी तो. हंसते हुए आ रहे हैं. हेलो. हाँ क्या हुआ बाबू? गुस्से में है. ले चाटा. और हाँ भाई तू निकल यहाँ से. कौन है भाई? और कौन है? बड़े सारे हैं तो खत्म होने का नाम नहीं. क्या हो गया भाई? क्या हो गया? बुरा मान गया तू? ये तो ब्लैक हगी बगी. हेलो. वे डर आएगा? कैसी आवाज निकाल रहा है? देखना है इसको. ठीक भाई ठीक. एक सेकंड. अबे गेम खेल रहे थे ना, मारने पे क्यों आ गया भाई? ये क्या बदतमीजी है? अब पिटे. अब इनको दिखाता हूँ मैं. रिएक्शन टाइम होता गया. बाहर निकलते ही चाटा पड़ेगा इनके. देखना, मैं सोच रहा था कि ये गेम में ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बट अब ये खत्म है. कहाँ पर हो भाई? जल्दी आओ, बस चाटे खाने के लिए रेडी रहो. कोई आया नहीं अभी तक. हेलो. ओ आने लग गए. पहला आ रहा है इधर से. ओ नहीं, आवाज़ चारों तरफ से ही आती है भाई. मतलब आते हैं बंदे भी चारों तरफ से आते हैं. बस हमें सुनना है कि आवाज़ के थ्रू मुझे ये सुनना है कि सबसे ज़्यादा पास कौन है. ये था पास, ये गया. एक ये नीचे से आ रहा है. चल अंदर हो जा पहली. और तू भी निकल यहाँ से. ये ऊपर. ओए भाई, जब ये खर 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 आवाज़ करे ना, तो मतलब वो बस अब मेरे पे अटैक करने वाला है. लास्ट टाइम भी यही हुआ था. बड़ी खतरनाक अचानक से अटैक करा था उसने. बाकी ठीक है, यहाँ से आ रहा है. ये गया, ऊपर वाला भी गया. और कौन है यार? बहुत ना अलग ही हिसाब है इसका. वेट, अभी आवाज़ें आ रही हैं पर कोई दिख नहीं रहा है. ये क्लियर है, ये वाली साइड क्लियर है. या नीचे से एक आ रहा है. तू अंदर ही रह, अंदर रह, तू बाहर नहीं आएगा. कोई तो मेरे बहुत ज़्यादा. नहीं भाई, ये दोनों बहुत ज़्यादा बाहर आ गए थे. अरे यार ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं. मजाक कर रहा था. निकल ऊपर, तू भी निकल. नीचे वाले तू भी निकल. और तू तो सबसे पहले जा. कोई है नहीं अभी शायद. वो रहा. भाग. कोई आया क्या बाहर तक? ये आ गया. अंधेरा भी है ना कहीं कहीं पर, तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है. बहुत प्रॉब्लम होने वाली है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब इनकी क्वांटिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई है भाई. अरे नहीं, चारों तरफ से साउंड. कहीं ऊपर तक देखना भाई मेरे को ना, तब मिस्टेक नहीं होगी. ये रहा एक ही गया. यहाँ पर कोई नहीं है. इस तरफ भी कोई नहीं है. इस तरफ में ये आ रहा ऊपर. अरे जा यार. वो ऊपर एक ही रहा, एक ही रहा. ये बैठा इस तरफ में, ये बैठा. और इस वाली साइड पर ऊपर एक बैठा हुआ है. ये रहा नीचे. भाई कितने सारे हैं? ख़त्म हो जाओ भाई प्लीज़. अभी दिमाग ख़राब हो रहा है. कब ख़त्म होंगे यार? इतने क्यों हैं? वेट. नहीं. कोई तो चिल्ला रहा है. मेरे को लग रहा है मैं जाने वाला हूँ भाई. भाई वेट. बहुत सारे आ गए थे भाई अचानक से. चुप. ओके. मम्मी हैज अनदर हिंट फॉर यू. क्या हिंट है? क्या क्या हुआ? कुछ खुला? ओ ये देखो है वहां पे, अपना हाथ वेंट के थ्रू डाला है. क्या हिंट है ये दिखाना? ओ इस बार से मुझे कलर्स दे दिए. ट्रेन कोड है. देखो एक मेरे को मिल चुका है, दूसरा ये है. शायद वो जो कलर सिलेक्ट करने थे ना, वो यहाँ से सिलेक्ट होंगे. रेड येलो रेड ब्लू. ठीक है मैं जा रहा हूँ वापस. एक ही गेम बची है. सैड. चुप.
नहीं मेरे को नहीं डर लग रहा, इसे ओपन कर। तेरी बहुत बातें करती है भाई, निकल भाई। गलत सीन था, कौन सा दरवाजा ओपन कर दिया? अच्छा वेंट ओपन करा है, वाओ। मेरे को लगा दरवाजा ओपन करके हम वापस जाएंगे, मैं जाता कहीं और से हूँ निकलता कहीं और से हूँ भाई। ओके ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाना है मुझे, पर आगे का सीढ़ी टूटी हुई है। अब क्या यहाँ पार्कौर खेलना है मुझे? अच्छा नहीं ये तरीका होगा शायद से, ये जंप मारी और मुझे यहाँ। और भाई 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 वेट, आराम आराम से जाना है, रुक जाओ। ये बैलेंस करना काफ़ी हार्ड हो रहा है, ये क्या पड़ा है पता नहीं, कुछ तो मिला, बाद में देखूंगा, पहले ऊपर चढ़ता हूँ। और अरे अब आगे ऊपर, अच्छा ये पकड़ना है मुझे, ठीक है ये मैं खींच सकता हूँ अपने आप को। और ये अबे वापस नीचे गिर जाऊँगा मैं। आ गया भाई, क्या सही टाइम पर छोड़ा ये, ठीक है तेरी भैंस की, तू इधर आ, देखो मैं पकड़ के नीचे फेंकूँगा, इधर आ चल, तू नीचे जा, तेरा कोई काम ही नहीं है, निकल यहाँ से, दिमाग खराब। लेट्स गो, अब चलते हैं यहाँ से बाहर, शायद ये बाहर का ये रास्ता होगा, आई होप। नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है इतनी, इधर इधर से आ रही है, बम बम आवाज क्या निकल रही थी इधर से, उसको टूट रहा। ओह यहाँ पर एक ट्रेन ट्रैक है, रेल ट्रैक है, और शायद मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे तोड़ना है, इतना तो मेरे को समझ आ गया है। वेट बट वो टूटेगा कैसे वो समझ रहा हूँ, काट वाट धकेलनी है यहाँ से तभी वो टूटेगा, मजबूत चीज़ है। बाकी यहाँ पर एक शटर बंद है सामने, तो इलेक्ट्रिकल पावर देने वाला तो है यार। वो वाला रास्ता भी बंद था, ये वाला रास्ता भी बंद है, तो जाना कहाँ पर है फिर? ये ओपन हो जाएगा? ओह क्या हो रहा है, हगी वगी, ये क्या है, मारेगा क्या? आ ये तो क्यूट हगी वगी है, हेलो अभी कितना प्यारा है ये। हाँ ये खोलना भैया, खोल दो हाँ ऐसे मार, अरे यार ओके बस थैंक यू, मारना मत बस मेरे को, मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं छुप मैं गया। अबे ये कितना प्यारा सा है भाई, वो दरवाज़ा खुल के जा चुका है, अभी प्यारा लग रहा है बट बाद में वो बहुत बुरा परेशान करने वाला। गया क्या, गायब हो गया। इतने कम टाइम में वो जा नहीं सकता, वो गायब हुआ है। बाकी ठीक है, यहाँ पर यार बहुत सारे ट्रैक हैं। अच्छा ये देखो, ये है वो कार्ट जिसको मुझे वहाँ तक लेकर जाना है और वहाँ से धकेलना है, तो वो जगह टूट जाएगी। बट बहुत सारी इधर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझको पावर डालनी है इस ग्रीन हैंड के थ्रू। मान लो अगर मैं यहाँ से पावर लेकर इसमें पावर डालूँ तो ये वाला रास्ता खुलेगा, और फिर यहाँ से पावर लेकर इसमें डालूँ तो ये वाला रास्ता खुल जाएगा। बट इन रास्तों का मैं करूँगा क्या? ओ ये वाला बंद हो गया यार, मैं अच्छा खासा वहाँ तक पहुँचा था, इवेंट है शायद, मुझे इस इवेंट के थ्रू जाना है भाई। वही मैं सोचू यार, अच्छा खासा यहाँ तक आया और फिर बाहर निकलना पड़ रहा है, बट एक पजल थोड़ी बहुत डिफिकल्ट तो होने वाली है, मतलब समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। मुझे ये खोलना है, यानी मैं कोई लीवर डाउन करना है, इस लीवर तक पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से अगर मैं पावर लूँ और यहाँ लगा दूँ, फिर यहाँ से भी अगर मैं पावर लूँ और उसको मैं यहाँ लगा दूँ, फिर यहाँ से भी ये पावर लूँ, इस पावर को अगर मैं जल्दी से भागता हुआ जाके कहाँ लगाऊँगा? वेट वेट वेट, अच्छा नहीं कहीं लगानी नहीं, वैसे वेट यहाँ लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। बाकी मैं इधर आना था, मैं इधर आ गया, इसको डाउन कर देते हैं और अब मैं अपनी कार्ट को आगे लेकर आ सकता हूँ। आ जा भाई, इजी है, चार से सारे ऐसे ही करने हैं। आ जा बैरी, रुक जा यहाँ पर, इसमें बहुत सारे टॉय कार्ट है, तो थोड़ा सा आ गया, रास्ता मत घेर मेरा, मेरे को बहुत ज़्यादा भगदड़ी वाला काम करना है। लेट्स गो, यहाँ से अगर मैं, अच्छा अभी मैं समझ गया, यहाँ से पावर लेनी है और लगाना है इधर, ये रास्ता खुला, और ये रास्ते से अगर मैं यहाँ से पावर लूँ और जल्दी से जाके इधर लगा दूँ, फिर ये खुल जाएगा और ये डाउन करना है। लेट्स गो, आ जा भाई, आ जा बैरी, जल्दी कर, हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, इसको फटाफट से। अब मैं समझ गया बट नहीं समझा, मैं एक ग्रीन पावर लाकर यहाँ पर लगाऊंगा तो मैं सोच रहा था कि ये ओपन हो जाएगा, फिर मैं अपनी कार्ट को और आगे ले जा पाऊंगा, बट नहीं, मेरे को इतना तो पता चल गया यहाँ पर दो ग्रीन पावर लगेगी। ये देखो मतलब इलेक्ट्रिसिटी दो हमें देनी है ग्रीन हैंड से, दो कहाँ से आएगी, एक तो मुझे पता है सामने। ओह वेट, एक सामने है एक यहाँ पे है, बट इसको ओपन करने के लिए भी एक चाहिए, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो सीन अभी क्या है, ये शटर हमें ओपन करना है, ठीक है ये डोर ओपन करना है, जिसके लिए मैं दो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डालनी है, एक मेरे पास पड़ी है वो मैं लेकर आके यहाँ लगा दूंगा तो ये नहीं होगा, एक यहाँ पे पड़ी है
बट ये वाली को लेने के लिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डालनी पड़ेगी। वेट, मेरे हिसाब से मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ये डिस्क पड़ी है, इसे देख लेता हूँ क्या है भाई ये, दिखाइए जरा मेरे को। कुछ तो अलग सा ही सीन है। वेट, ओ जैक सेप्टिका है। लेट्स गो। Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? Marcus, भाई जैक सेप्टिकाई को एम्प्लॉय बना दिया प्ले टाइम कंपनी का। हमारे कब दिन आएंगे यार, लेट्स गो। वैसे मस्त है यार। ठीक है, यहाँ से इस ग्रीन पावर को लेता हूँ। मेरे को भी समझ आ गया क्या करना है, वो मैं भूलू ना, इसलिए फटाफट से निपटाते हैं। यहाँ पर लगाया, यहाँ से ग्रीन पावर लेकर अगर मैं इधर लगा दूँ, लग जा भैया। हटाया और यहाँ से 10 सेकंड का ही टाइम है मेरे पास, ये लगाया और लेट्स गो, गेट ओपन हो चुका है भाई। डन, ओ भाई फाइनली, इसको लेकर चलते हैं यहाँ से सीधा। और अभी हम लोग यहाँ से आए थे और मैं इस कार्ड को लेकर आ चुका हूँ। आ जा भाई, भाग के आ जा। बहुत लंबा टास्क था बट फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया। डन, ये जाएगी अब नीचे और ये टूटा दरवाज़ा, देख के पता चल रहा था कोई कार्ट भेजनी है। ठीक है, दरवाज़ा नहीं टूटा, सॉरी फैंस हट गए। अरे भैंस की, कहाँ जाके गिर गया, इतनी गहराई थी क्या? मैं नहीं जाने वाला उधर, इधर रास्ता है, मैं यहाँ से जाऊँगा। मेरे को लग रहा था टूट के भिड़ जाएगी बट वो आवाज़ बड़ी तेज़ आई, गिरने की। क्या ठीक है, यहाँ पर एक गड्ढा है यार, ऐसा ना हो मैं यहाँ पर कूदूँ और मैं वापस वहीं पहुँच जाऊँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। प्लीज़, कोई कुछ लटकने वटकने का है, मैं वहाँ से पकड़ के रहूँगा, अगर नीचे कुछ गलत सीन हुआ मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा लेकिन होगा नहीं। डन, वैक वगी। अच्छा अभी तो मैं, ओ भाई मैं भूल गया था, मैं एग्जिट कर रहा था, अभी हम लोग ट्रेन वाली जगह पर आ गए होंगे शायद। ये चक्कर क्यों आया मुझे, कूदा तो मैं बहुत पहले था, तो पता नहीं जो भी है कुछ तो रीज़न होगा। बट फाइनली हम लोगों ने सेकंड गेम भी कंप्लीट कर दिया है गेम स्टेशन का, और इस बार मुझे कलर्स मिले हैं। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ ट्रेन को चलाने का और देखते हैं कि ट्रेन चलता है या फिर नहीं। ये कोड मैंने लगाया, मतलब हैंड अपना लगाया जिससे दरवाज़ा ओपन होगा। डन, अब फटाफट से चलते हैं अंदर। मेरे को कलर कोड्स दिए थे रेड, येलो, रेड, ब्लू, तो थीम तो एकदम नहीं, थीम गलत हो गई, वापस सीक्वेंस गलत हो गया, सॉरी, ये वाला सीक्वेंस सही है। कलर थे अपने रेड, येलो, रेड, ब्लू। कलर कैसे चेंज होगा इससे, रेड, येलो, रेड, ब्लू, परफेक्ट। अभी कोड डालना कैसे है, इसको खींचूं, नहीं ये खींच भी नहीं रहा। अच्छा इन पर टिक करना है, अब खींचूं, नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्या सीन है, कोड तो एकदम सही डाला है। शायद तीनों कोड ही ढूंढने, अभी दो ही मिले हैं इसलिए नहीं हो रहा, तीन ढूंढ के ही आऊँगा। अब मैं खाली पहले वापस नहीं आने वाला, थर्ड गेम का हमें मौका मिल चुका है फटाफट से। अरे स्टार्ट हो जा, लेट्स गो। ये वाला गेम है ना थर्ड, स्टैचूज, ठीक है ओपन कर दो भाई, नेक्स्ट गेम बहुत फन होने वाला है। ओपन हो रहा है बट ये ओपन, ओ ये सारे गेट ऑटोमेटिकली ओपन हुए बट ये वाला नहीं हुआ, कैसे करना है, खींचने पे भी नहीं हो रहा है, पर देखने से तो ऐसे ही लग रहा है खींचना, क्या दोनों हाथ से खींचना है क्या, वेट, ओ दोनों हाथ से खींचना है। डन भाई, फाइनली ये ओपन हो रहा है, हो जा भाई, हो जा बस बहुत है, मैं इतने में चले जाऊंगा, पूरा मत खोलो। इतनी मेहनत नहीं करनी हमें, लेट्स गो, चलते हैं आगे। ये गेम सबसे हार्ड होगा क्योंकि ये थर्ड है और लास्ट है, इसके बाद शायद अपनी एक चैप्टर टू भी एंड हो जाएगा। बट अभी तो कोई ख़तरनाक चीज़ देखने को मिली नहीं चैप्टर वन जैसी। बाकी यहाँ पर कहीं तो मैं आ गया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, यहाँ से अगर कैरी कर, ओ ग्रीन हैंड में ना वायर में नहीं रहती, अगर इसमें क्या करना, क्या यार, ओ ऊपर कुछ लटकने के हैं दो, मैं वहाँ जा नहीं सकता। यहाँ इसको पावर दे दी मैंने, ओ 10 सेकंड्स ओवर हो गए, और मैं यहाँ से पावर लेकर इसको दूँ तब मैं ऊपर जा सकता हूँ। ये देखो ये मैं आ गया ऊपर, यहाँ पर कुछ तो है, टू है, ये टू है, यानी वन उस साइड पे होगा शायद, ये देखो ये रहा वन यहाँ से। अरे यार बट कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ से अगर मैंने ले ली पावर तो मैं एक मिनट इससे पावर खींच के इसको देता हूँ, देन यहाँ से मैं जाता हूँ ऊपर, और अभी मेरे को अपना हैंड इससे कनेक्ट कर देना है। हुआ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है बट समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। यार मैं गिर जा रहा हूँ यहाँ से बार बार ही, कुछ आवाज़ आ रही है, कौन है भाई, पता नहीं किसी के ना चलने की आवाज़ आ रही है भाई,
पता नहीं क्या है बट जो भी है खतरनाक ही है। देखो यहाँ पर से ना ग्रीन पावर जा चुके, मैं समझ गया हूँ शायद क्या करना है मेरे को, इन दोनों में तो पावर नहीं डालनी। एक बार चेक कर आता हूँ कहीं वो वाला शटर तो ओपन नहीं हो गया, क्योंकि देखने में मेरे को कुछ ऐसी सी फील आ रही है कि शायद से वाला दरवाज़ा ओपन हुआ नहीं था बट अब हो गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं। ये क्या है, प्ले टाइम? वेलकम टू स्टैचूज। स्टैचूज, दिस एडवांस्ड ऑब्स्टेकल कोर्स इज डिजाइंड टू टेस्ट योर फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। रूल्स आर सिंपल, द लाइट्स विल टर्न ऑफ, यू कैन मूव थ्रू द ऑब्स्टेकल कोर्स एट दिस टाइम। ओके, हाउएवर व्हेन द लाइट्स टर्न ऑन यू कैन लुक अराउंड बट कैनॉट मूव। ये थोड़ा बहुत स्क्विड गेम जैसा होने वाला है। Once the lights turn back off, done. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. Wait. That's all. Good luck. Hello, PJ. सामने एक मॉन्स्टर आ चुका है अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो। बाकी ये वाला जो गेम है स्टैचूज, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट और स्क्विड गेम जैसा होने वाला है। और वो कौन है? तू यहाँ भी आ गई। खैर ठीक है, मैं आपको ये वाला चैलेंज एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसकी बकवास चलती रहेगी। तो गाइस इस चैलेंज में हमें क्या करना है कि ये जो एरिया है ना इसको पूरा पार करना है, बट लाइट बंद हो जाएगी तो हमें रुक जाना है, कोई मूवमेंट नहीं करनी वरना ये हमें खा जाएगा। तेरा हो गया तो तू जाना यहाँ से। ओके, मैं मरने के लिए तो खेल रहा हूँ। लेट्स गो, दरवाजा खुल चुका है, लाइट बंद हो गई है, मैं चल सकता हूँ। भाई ये बहुत तेज पार करना है मेरे को, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। वो पीछे आ रहा है, उसके पैरों की आवाज मुझे आ रही है। भागो भाई जल्दी से। मैं देख सकता हूँ ना इधर उधर, एटलीस्ट यस मैं देख सकता हूँ। वेट ऊपर, चल 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 चल। यहाँ से मुझे कहाँ, वो आ रहा है यार, वो अगर मेरे पास तक भी पहुंच गया मैं तब भी मारा जाऊंगा। मुझे उससे पहले पता करना है, शायद मुझे ना इसके ऊपर जाना है। और मैंने कुछ नहीं करा, मैं नहीं हिला। वेट, ऊपर कैसे जाऊं यार, यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं? नहीं 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 नहीं, ये मेरे पास आ चुका है। नहीं प्लीज मेरे को जाने दे, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं हिला यार। मेरे को ऊपर जाने के लिए जाना तो वहीं से होगा ना, मैं मतलब कहां से ही जाऊंगा भाग के, रास्ता तो यही। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने ना फन के लिए अपना हैंड उसके मुंह पे मारने के लिए क्लिक करा और भाई उसने क्लिक करने से पहले मुझे पकड़ लिया। वन मोर चांस और इस बारी मैं कोई मिस्टेक नहीं करने वाला हूँ, फटाफट भाग के चलते हैं। वैसे मिस्टेक तो मैं तब करूंगा ना जब मुझे पता चलेगा मिस्टेक है क्या, मूवमेंट ही तो कर रहा हूँ बस। और वो भाई कितने तेज आ रहा है यार, वेट मुझे लाइट कब कितनी अचानक से बंद हुई इस बारी। वेट टाइम वेस्ट नहीं करना, लेट्स गो चुपचाप चलते हैं। भाई लास्ट टाइम मैं कितना बुरा मारा गया बट इस बारी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। लेट्स गो फुल जंप करता हुआ फुल स्पीड में मैं यहां से आगे जाने वाला हूं। बट कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। यप ये करे, अरे मेरे हाथ से वो छूट गया, मेरे को समझ आ गया मुझे कैसे लटकते हुए जाना है। ओके, ये आया मैं ऊपर, नहीं हिल रहा हूं मैं। अच्छा मेरे को खुद से मूवमेंट नहीं करनी, अगर मैं वैसे हिल रहा हूं ठीक है। वो देखो कैसे आ रहा है भाई, ओ मैं कहीं तो चला गया, मैं नहीं हिल रहा खुद गया हूं मैं। सेफ हूँ। सामने हार्ड लिखा हुआ है और इधर मीडियम। अरे यार मत आ, दो मिनट रुक जा तू वहीं, मेरे को उस हार्ड वाले में ही जाना चाहिए। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं अंदर, पता नहीं ये रास्ता मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाला है। पीछे तो नहीं आ रहा ना, अब वो आ तो रहा होगा, पक्का आ रहा होगा। लेट्स गो, मैं बस गलत ना चले जाऊं, जहां से मैं आया पता चला वहीं पर मैं वो भागता हुआ आएगा भाई अगर मैंने मूवमेंट करा। मतलब मैं बस कैमरा मूव कर सकता हूँ जब म्यूजिक बंद होता है तो। अरे कितनी जल्दी बंद हो रहा है वो, अब खाएगा मेरे को। आ रहा है वो, आ रहा है। भागने दो,
ये क्या है? जो भी है ले लेता हूँ, ठीक है। कहाँ जा रहा हूँ? पता नहीं यार, इतना भूल भुलैया सा है ना ये रेड वाली पाइप, समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ को जा रहा हूँ, कहाँ निकल रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं। बाकी कितनी लंबी पाइप है यार, कब खत्म होगी? हालत खराब हो रही है यार, स्क्विड गेम है सच्ची में। बिल्कुल पहुंच गया हूँ मैं, पीछे आ रहा है वो, मेरे पता है वो आने वाला है यहाँ से। बस 3, 2, 1 और वो बस यहाँ पर पहुंच ही जाएगा। बाकी ये देखो वो यहाँ पर पहुंच गया, पूरी पाइप में से आता हुआ। मेरे को यहाँ से कूदते हुए जाना है जब म्यूजिक चलेगा। वेट, यहाँ पर चढ़ा और यहाँ पे गया मैं, और मैंने जंप पहले ही मार दी थी, ठीक है, बच गया मैं। मतलब म्यूजिक बंद होते ही जैसा भी, अब कीबोर्ड माउस छोड़ दो, खत्म बात, इजी गेम। बच गया, स्मार्ट बॉय। ओ भाई मैं म्यूजिक अरे यार ये 1 सेकंड के लिए तो मत बजाओ म्यूजिक, ये बहुत इजी तो नहीं है भाई, इजी नहीं बोलूंगा। कहाँ कूदना है? खा जाएगा वो, मेरे को जगह नहीं दिख रही। अच्छा समझा समझा, तो कूदना नहीं है मेरे को, वहां जाना है शायद। हाँ आगे रास्ता बंद है। ओ भाई ये कहाँ आ गया, मैं भागू? म्यूजिक चल तो रहा है, मेरे को तो भागना है ना। अरे बंद क्यों है? यहाँ खड्डा एक, इसमें कूद रहा हूँ मैं। ओ गलत आ गया मैं शायद से, वो भी आ रहा है यार ऊपर से, पता नहीं क्या सीन है। अरे उसकी आवाज आ रही है यार, शायद यहाँ जाना है। पहुंच गया मैं, म्यूजिक बंद, वो ऊपर से बोल रही है, बट ठीक है यार मैं बच गया। यार वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। चुप रहा है यार, पता नहीं कहाँ से बोल रही है वो। ठीक है यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है, और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका हूँ शायद से, इसलिए मैं अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा हूँ। और ये जगह टेढ़ी है, ये थोड़ी सी इसे टिल्ट डाउन नहीं दिख रही राइट साइड में, पता नहीं या फिर मेरे को ये देखने में लग रही है नहीं। खैर ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चुप रहे यार, कितनी बुरी ऐसी है इसकी। लेट्स गो, यहाँ से भी चलता हूँ मैं ऊपर, पता नहीं ये गेम कहाँ जाके। जो हेडफोन में देख रहा हूँ उसको आवाज़ बहुत आ रही होगी इसकी, नहीं किस बात का शोर मचा रखा है। ये तो जगह बंद होगी मेरे को लग रहा था। ओह वेट, यहाँ पर एक वेंट है, मुझे यहाँ से जाना है। लेट्स गो लेफ्ट साइड, ओह यहाँ बंद है, सीधे जाना है मुझे। शांति हो जाती है ना तो फिर एक अलग मजा आता है यहाँ पर। बाकी 1 सेकंड मैं आ तो, ओह अभी और ऊपर जाना है यार, कितना ऊपर जाना है मेरे को, क्या भगवान के पास लेकर जा रहे हो क्या? ओके ऊपर तो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। यहाँ पर एक दरवाजा है, ये ओपन नहीं होगा। आई थिंक मुझे स्टेयर्स चढ़ के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि यही एक मेन और सही रास्ता होने वाला है। और वेट, ये मैं कहाँ पहुँच गया? वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पर क्या चलने वाला है? रोटेट टॉप 90 डिग्री, रोटेट बॉटम 90 डिग्री। ओह यहाँ पर, अच्छा आगे और भी रास्ते हैं। बाकी यहाँ पर एक पेपर है, ये क्या चीज़ है? ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, नहीं मेरे को नहीं पढ़नी किसी की ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इससे रोटेट हो रहा है या आई थिंक यहाँ से मैं इन दोनों को रोटेट कर सकता हूँ, ये बॉटम वाले के लिए है और ये वाला टॉप के लिए है। तो जैसे मैं इसे दबाऊंगा, देखो 90 डिग्री रोटेट हुआ। अभी अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये एक मस्त रास्ता बन जाएगा मेरे लिए। बाकी ये है C1, और अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ और राइट साइड में जाता हूँ तो ये है C4। C4 में यहाँ पर टॉय स्कैनर, ये क्या है टॉय स्कैनर वो छोड़ो, अभी अंदर नहीं जा सकता मैं क्योंकि दरवाज़ा बंद है। बाकी सामने भी एक दरवाजा बंद है गेम स्टेशन का, और ये वाला जो दरवाजा है ये ओपन है C2 का। अब C2 जाने के लिए मुझे इस बॉटम वाले को रोटेट करना है क्योंकि इससे कनेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं टॉप वाला भी रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर टॉप को मैं 90 रोटेट करूंगा मैं तब भी C2 चले जाऊंगा। लेट्स गो, बॉटम वाले को रोटेट करने से बढ़िया मैं टॉप वाले को 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं, और ये वहां से जाके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। एंड लेट्स, ओ नहीं नहीं नहीं, अगर मैं टॉप वाला रोटेट कर दूंगा वहाँ का रास्ता बन जाएगा बट मेरा रास्ता खराब हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेट्स गो, अभी मेरे को यानी बॉटम टॉप दोनों सेट करने हैं, तो बॉटम वाले को पहले 180 रोटेट करते हैं, या आया 90 या आया और 90। अब टॉप वाले को मेरे को 180 करना है, 90 और दोबारा से एक बारी 90। और ये बेस कहाँ से आ रहा है, प्लीज़ धप्पा नहीं करना कोई। लेट्स गो, रास्ता बन चुका है लेफ्ट साइड में जाने का। अब पता नहीं लेफ्ट साइड में क्या होने वाला भाई, इसका शोर आ रहा था चलने का, मेरे को लग रहा था कोई ऐसा दरवाजा खड़का रहा है। बाकी ठीक है अंदर चलते हैं जल्दी से। ये कैप्रेस है, ये बिल्ली तेरी भैंस की, तू इधर आ, ये इसको हमेशा गिरा, निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। बाकी यहाँ पर मैं ये टॉय फैक्ट्री में तो आग में तो है, तो पूरी टॉय फैक्ट्री, बस यहाँ पर ये टॉय
ये टॉय लेके चलना है क्या? मुझे वहां पर टॉय स्कैनर भी था। हाँ लग रहा है टॉय स्कैन कराने के बाद गेट ओपन हो जाएगा, शायद ऐसी कुछ है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टॉय मैं लूं कैसे, मेरा हाथ वहां तक जा रहा है बट मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। वेट, यहाँ पर दो लीवर है, ये लिफ्ट है शायद से, ये अप जाने का है ना। वेट, अगर मैं इसको ऐसे पीछे खींचूं, ओ तो लिफ्ट ऊपर जा रही है और ऊपर जाकर मुझे यहाँ से टॉय उठाने क्या। वेट, ये मैं आ गया ऊपर, टॉय ऊपर आ रहे हैं। वेट, यहाँ पर लेकिन कोई टॉय नहीं आ रहा, शायद मुझे पहले ना, अच्छा देखो नीचे पूरे में ग्लास कवर है बट यहाँ पर ओपन है, तो यानी मैं यहाँ से टॉय उठा सकता हूँ बट उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करके। ये क्या है? वेट, ये क्या हुआ भाई? कुछ आवाज़ तो आई है, ये क्या है? पता नहीं कुछ मिला, ये शायद से काम का नहीं है। बाकी नीचे एक येल्लो बटन है, इसे दबाऊँ? मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा, शायद ना पहले मुझे लिफ्ट नीचे लेकर जानी है। मतलब कुछ ना कुछ तो तरीका होगा टॉय लेने का। यहाँ पर एक रेड बटन है, ये दबाने के बाद देखो टॉय की रोटेशन मूव होगी, पहले उधर जा रहे थे अब ये दबा रहा हूँ तो इधर जा रहे हैं। अब इधर से टॉय जा रहे हैं ऊपर, लेकिन मुझे भेजना है इधर, तो मैं ब्लू वाला बटन दबाऊंगा। अब इसकी डायरेक्शन होगी इधर, ये जाने लग गए इधर, अब मुझे येलो वाला बटन दबाना है, अब ये ऊपर आ जाएंगे। लेट्स गो, मैंने कर दिया सॉल्व, बहुत ईजी यार, मजाक मजाक था ये तो। छी, पीछे खींचो भाई इसको, जल्दी से लेकर चलते हैं लिफ्ट को ऊपर और फटाफट से टॉयज कलेक्ट करते हैं। आन दो भाई, आन दो आन दो, बस कहाँ है टॉय? भाई टॉय घूम के यहाँ जा रहे हैं ना, ये मुझे लेने हैं। आ जा भाई, आ जा, आ गया टॉय। ये क्या था? ये वापस जाने लग गया, बट ठीक है मेरे पास टॉय आ चुका है ना, चेक कर लूँ मैं। वेट, ये रहा टॉय, बंजो बनी। लेट्स गो, अब मेरे को इसे नीचे लेकर चलना है, तो यहाँ से खींचो लिफ्ट को नीचे, और नीचे बहुत तेज आती है भाई। डन, अब मैं जाने वाला हूँ उस जगह पे जहाँ पे मुझे टॉय स्कैन करने के लिए लगाना था, बट वहाँ पर जाने के लिए मुझे बॉटम को 180 रोटेट करना है, और टॉप तो वैसे यहीं रहना चाहिए ना, बट सीन क्या है ना, बॉटम वाला रोटेट करो तो टॉप वाला ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है। ये रहा बॉटम, दबाए देखो, टॉप खाली पीली 45 डिग्री घूम जाता है। अभी ये कनेक्ट हो गया, मेरे को टॉप थोड़ा सा घुमाना है, थोड़ा सा नहीं 270 डिग्री घुमाना है यार पूरा का पूरा। ओके, फाइनली मैंने टॉप को भी 90 डिग्री घुमा दिया है, और अभी अपने लिए C4 का रास्ता जो है ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉय लेकर आ चुका हूँ, टॉय स्कैन हुआ और गेट डन, ओपन हो चुका है। लेट्स गो, ईजी। अब मुझे कहाँ जाना है वो नहीं पता, बस कि यहाँ पर रास्ता बंद आ गया और यहाँ पर एक वेंट है, ठीक है मुझे वेंट के थ्रू आगे बढ़ना है। पता नहीं यार और भी कितनी पजल्स यहाँ पर आने वाली है। बाकी ये वेंट एक तरफ राइट को जा रही है और एक तरफ लेफ्ट को। ये क्या है? ये दरवाज़ा तो बंद है। बाकी यहाँ पर ओ कुछ तो पजल है यहाँ पे, क्या है ये? आ जा निकल यहाँ से, पता नहीं क्या हमेशा का। बाकी यहाँ से मुझे ये तो 2 है, मेरे को करंट 1 से लेना है, बट 1 कहाँ पर है? 111 CD तो मेरे को नहीं मिली, तो मैं प्ले करके नहीं देख सकता, मेरे को करना भी नहीं है। बाकी समझ नहीं आ रहा, अच्छा एक सेकेंड वेट, समझना क्या है, वेंट 2 साइड जा रहा था ना, मैं अभी बस राइट साइड आया हूँ, क्या पता लेफ्ट साइड कुछ हो सकता है भाई, क्योंकि मैंने अभी तक इधर चेक नहीं करा। अगर मैं यहाँ से घूम के, यस यहीं पर कुछ ना कुछ तो है जो मुझे सॉल्व करना है। अच्छा नहीं, मैं अभी देखो अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर वो TV है, मैं घूम के बस समझ लो अंदर आ गया हूँ, और यहाँ से मुझे पावर ला के लगाना है, तो ये वाला गेट खुलेगा, बट यहाँ पर पावर शायद आगे से ही आएगा, तो कूद के चलते हैं आगे। और ये देखो यहाँ पर ग्रीन हैंड टच करने के लिए मना करा गया है, पर अंदर शायद से वो ग्रीन वाला यस इलेक्ट्रिसिटी है अंदर, जो कि मैं ग्रीन हैंड से कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी लूँ और इस पर लगा दूँ तो कुछ नहीं होगा, और अगर इस पर भी लगा दूं तो ये ओपन हो जाएगा, बट ये ब्लू जाली क्यों आ रखी है? वेट, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये वापस बंद हो जाएगा, ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? क्या मुझे इसको लगा के यहाँ से उड़ के उस तरफ जाके इस पर लगाना है? इस पर नहीं यार, इस पर तो ग्रीन वाली लेकर आनी है, इतना तो मुझे समझ आ गया, और कोई तरीका है नहीं, मेरा हैंड इससे ज़्यादा आगे जाएगा नहीं, ये लिमिट है इसकी। वेट, कुछ तो यहीं पर करना है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, एक काम करता हूँ मैं, अगर इसको बस इस वाली से कनेक्ट करूँ तो वेट, अभी वो दोनों ओपन हो चुके हैं, ये कनेक्ट हुआ, यहाँ से मैंने ग्रीन वाली ली और ब्लू वाली को मैं यहाँ से अटैच करके यहाँ जाऊँ और इसमें ग्रीन वाला लगा दूँ, ये वाला दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। फिर क्या करना है? फिर ये ग्रीन वाली ले ली मान लो इससे मैंने, और ये कहाँ लगेगी? वेट, मैं समझ गया, ये जो 1 वाला है ना, इसको मुझे इससे कनेक्ट करना है, बस बात खत्म, इस बार ही हो जाएगा। पर हाँ मैं गया वेंट से था, मैं वही अच्छा खुला है, मैं इधर जाके बोल रहा हूँ रास्ता बंद हो गया, यहाँ से खुला हुआ है ये जल्दबाजी में हो जाता है, इसको चीज़ समझ आ गई, मैं ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया था, बट ठीक है इस बार ही मैं कर दूंगा, ईजी था इसको। तो मेरे को क्या करना है, पहले तो यहाँ से कूद के जाना है इस तरफ, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेकर इसको नहीं इसको देनी है, और यहाँ से मुझे
ये ग्रीन वाली इलेक्ट्रिसिटी लेके रखनी है। मैं पहले उधर पहुंच जाऊंगा ना, तब मैं इसे हटाऊंगा ताकि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिले। अब जैसे मेरा हाथ यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ली। यार ओए पागल हो क्या, मेरा हाथ उससे अटैच था। वेट यार, शॉर्टकट मारने के चक्कर में लॉन्ग कट हो गया। देन यहाँ से ली इलेक्ट्रिसिटी, ये हटाई, इसको भी डिटैच करा और यहाँ से कूद के मैं गया इधर, इसको लगाया इधर, ये ओपन हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। अब मेरे को जल्दी से ये वाला टास्क करना होगा कि यहाँ से इसको लेना है और ओ नहीं 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 नहीं, दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए। ये लगा दिया, हो गया, आई थिंक हो चुका है। ये गई पावर, और ये पावर कहाँ गई, क्या ओपन हो गया, कोई दरवाज़ा दरवाज़ा बंद था क्या? हाँ वो वाला मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। हाँ इस तरफ में एक दरवाज़ा बंद था ना, हम लोग फिर इवेंट में आए थे। अबे मेरे को तो उधर जाना था। ये क्या बदतमीजी है यार, इतनी मुश्किल से दिमाग लगा के दरवाज़ा खोला लेकिन नहीं, ये गेम धोखा ही। ये देखो ऊपर जाने को, अरे भाई साहब क्या हो गया, हेलो, अरे कहाँ भागू मैं, अरे ओपन हो, नहीं 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 लास्ट गेम, हाँ गेम खेलते हैं, चुप्पे, डराने की जरूरत नहीं है खाली पीली। ओ भाई गिनती नहीं यार की, ये पीछे पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, पूरी तरह उसका काउंटडाउन चल रहा है। भागो 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 भागो, किधर भागो, लेकिन हाँ ये रास्ता तो है, अंधेरा है बट नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। 3-2-1 आई थिंक खत्म हो गया उसका, 3 पे ही खत्म हो गया ना। उसको शायद काउंटडाउन नहीं आता। इट्स गो, मेरे को यहाँ पर ऊपर ही जाना चाहिए, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और आगे कोई रास्ता मेरे को, ओ ये रहा रास्ता, यहाँ पर एक खड्डा है, इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ के बाद कहाँ जाना है, इस तरह, ओ यहाँ पर भी एक दीवार टूटी हुई है। इट्स गो, यहाँ से चलते हैं बाहर को, यहाँ पर एक वेंट है, यहाँ से मैं आ गया पता नहीं कहाँ पे, बट ठीक है, जो जो रास्ता दिख रहा है मैं बस भागता जा रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसने गिनती गाई है और वो पकड़म पकड़ाई खेलना चाह रही है मेरे साथ, तो मेरे को नहीं खेलना। लेकिन ओके ठीक है, मैं पता नहीं कहाँ पर भाग के आ गया। डू नॉट एंटर, खोल दो यार, कहीं तो भेजो मेरे को। ये चल रहा है क्या, ये चल रहा है शायद, देखो मैं यहाँ खड़े हो रहा हूँ और अपने आप यहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। बाकी यहाँ रास्ता ख़त्म हो गया, अब तक तो मैं फुल मज़े में भागता हुआ आ गया हूँ, बट यहाँ पर आके रास्ता ख़त्म हो चुका है। कोई वेंट वगैरह है क्या, समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या कर। ओ लीवर है यार यहाँ पर, इसको मुझे डाउन करना है और ये वाला दरवाज़ा ओपन हो चुका है, लेट्स गो। भाई मैं वही सोचूं, अच्छा खासा अब तक मैं हारता हूँ। अरे क्या हो रहा है यार, बात बात पे मैं अलग अलग जगह से गिर जाता हूँ खाली बिली, मतलब रस्ते टूटे हुए बनाए हुए, ये खोलना है क्या, ओपन हो दरवाजे, एग्जिट, ये एमरजेंसी एग्जिट है भाई, हम एस्केप करने वाले हैं, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालनी है ना, वेट मैं ढूंढता हूँ बटन, नहीं ये बटन किसके काम का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, ये रास्ता तो जा रहा है एक, ये प्लीज ओपन हो जाइए, ड्रामे नहीं, या बड़े बड़े गंदे तरीके से ओपन हुआ, बट ठीक है, अच्छी बात है कि वो ओपन हो चुका है। बाकी मेरे को यहाँ से आगे बढ़ना है, स्टाफ ओनली, मैं स्टाफ हूँ, चलो, अरे तमीज़ में ओपन हो जाए यार, ये कहाँ आ गया हूँ मैं, एक सेकेंड, मेरे पास ब्लू हैंड है और ग्रीन हैंड है, तो यानी ब्लू को ओपन करना है और ग्रीन को ओपन करना है, और ये खुला नहीं, ये दोनों डाउन तो हैं, अगर मैं इसको डाउन करूँ तो, ये देखो ये दोनों अप हो गए, यानी मुझे येलो रेड हैंड चाहिए, शायद ऐसे होगा क्या, उस डब्बे में हैंड है। ऐसा नहीं होगा यार, हैंड ऐसे नहीं मिलने वाला। बाकी कुछ तो है यहाँ पर जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वेट, यहाँ पर कुछ बना हुआ है क्या, सीक्वेंस वाइज तो नहीं करना, रेड येलो ब्लू ग्रीन, अगर मैं पहले रेड को करूँ, रेड देन येलो उसके बाद ब्लू और फिर उसके बाद ग्रीन, शायद ये सीक्वेंस है, हो जा, ये अभी भी ओपन नहीं हुआ यहाँ पर, देखो तारे तो, अच्छा नहीं ऐसे तो सीने तारे तो ऐसे मतलब रैंडमली जाके कनेक्ट हो रही है ना, क्या कर सकते, ओह वेट ऊपर जाने का रास्ता है, लेट्स गो, ये रास्ता में कहीं और, अच्छा कहीं और नहीं लेकर जा रहा है ये, कुछ हिंट है यहाँ पे मेरे को लग रहा है, यहाँ पर 3-2-1 पे, अच्छा 1 पे रेड वायर कनेक्ट है और 2 पे ब्लू वायर कनेक्ट है, 3 पे ग्रीन, ये सीक्वेंस है शायद से, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ये सीक्वेंस है शायद से, रेड देन ब्लू देन ग्रीन फिर उसके बाद येलो, ऐसे ही होना चाहिए जहाँ तक है, यही होगा मेरे से, ओ यही है, ये होना नहीं चाहिए, यही है, वो तभी बना रखा था ऊपर अलग से। अब पता नहीं ये वाला रास्ता कहाँ पर जाने वाला है, कितनी आगे जाने वाला है, कोई आइडिया नहीं, बस इतना पता है कि एक के बाद एक तगड़ी तगड़ी पजल,
अरे नहीं खेलना मुझे, पकड़ा पकड़ा, अरे कूद मैं मरा भाई, भाग 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 भाग, छुपू कहाँ मैं, दरवाजा दरवाजा दरवाजा, ओए भाई वहां मकड़ी का जाला कब में आ गया यार, मैं सोच रहा था जहां से आया वहीं को भागना है, छी कहां भागूं, ओह वेट मेरे दिमाग में एक जगह तो आई है, शायद हमें वहीं भागना होगा, वेट वो टेस्ट करना है, मैं बोलने नहीं वाला क्योंकि मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि मुझे कहां पर भागना है, बाकी अपना अभी गेम वहीं से कंटिन्यू हो रहा है जहां से वो मेरे पीछे पड़ी थी पूरी तरह। लेट्स गो, भाग के चलते हैं, दोबारा मेरे पीछे भाग के आने वाले, बट इस बार मैं रेडी हूँ, आ जा चल तेरी ऐसे की तैसी अब मेरे को चेक करना है, सोचने नहीं, वेट नहीं, बच गया मैं शायद से, चल चल चल, क्या मैं नीचे जा सकता हूँ, आई थिंक सो मैं नीचे जा सकता हूँ, वो जा चुकी है, यह बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, अलग ही एंट्री देती है, बट यार फाइनली मैं उससे सेफ हूँ, वो गई भी इस डायरेक्शन में, यानी कि उधर की तरफ चले जाती मेरे को ढूंढते हुए, लेकिन नहीं यही एक जगह बची है ना मुझे ढूंढने के लिए, बाकी मैं कहीं और आ चुका हूँ, यहाँ पर कुछ और चीज़ है जो कि मुझे सॉल्व करनी है, यहाँ पर एक लीवर है, लीवर डाउन करा, ये घूमने लग गया है, मेंटेनेंस कुछ तो इसमें कमी है, चेक फोर एंड रिप्लेस वॉर्म और डैमेज पार्ट्स, ओह यहाँ पर कुछ मिस लग रहा है मेरे को देखने से, बाकी यहाँ पर एक लेडर्स है, ऊपर वेंट है, वेंट में जाना है क्या, अच्छा नहीं वेंट में तो वैसे ही फैन लगा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो लेनी है और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लगानी है, पर उससे क्या होगा, ओ पावर गई अंदर, ये चल चुका है, ये क्या चीज़ है भाई, वो दरवाज़ा खुल गया, ये क्या है, अंदर जाऊँ, नहीं नहीं हाँ कि मैं कौन जाएगा भाई, हाँ बंद हो गई, यहाँ कुछ है, ओह यहाँ पर, अच्छा वो जो मिसिंग पार्ट्स है ना इस मशीन के, वो यहाँ पर क्राफ्ट होंगे, बट कैसे होंगे ये मुझे, ओह यहाँ पर कुछ है, ये पार्ट यहाँ लगेगा क्या शायद से, नहीं यहाँ पर तो नहीं लगेगा, एक बारी ऊपर चल के देखता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है इस मशीन में कोई पार्ट मिस है, वो उसका अच्छा वो उस मशीन का खराब पार्ट है जो कि मुझे यहाँ पर लगाना है, अब ये जाके रिपेयर हो जाएगा जब मैं इसमें मशीन को चलाऊंगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, यहाँ पर लगानी है, इसको बंद कर देता हूँ, चल भाई बंद हो जा, अच्छा और भैया पीछे हो जाओ, वो बंद होने की जरूरत नहीं है उसमें, शायद से बंद ना करूँ तो पता चला चीज़ क्राफ्ट ना हो जा, हो जा यार पता लगा खराब क्राफ्ट, ओ बन गया, लेट्स गो, ये लिया यहाँ से, अब मुझे इसको ले जाकर बस सामने लगाना है और अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से भी निकलने वाले हैं, ये लगा, चल भाई डाउन हो जा फटाफट से, लेट्स गो, ये रास्ता ओपन हो चुका है, अब फटाफट से हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कि आखिरकार अभी मुझे कहाँ पर जाना, अरे पागल है भाई ये, इसके अंदर जाना है, अबे दीवार पार करके कैसे आ गई यार, गलती ना मेरी है, मैं एक एक करके दरवाजा बंद कर रहा था, मुझे मुझे दोनों को एक साथ ही बंद कर देना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी मेरे लिए टास्क बहुत ज्यादा इजी है, मैं इसको बहुत इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे स्पेयर पार्ट चाहिए और फटाफट से मशीन चालू हो गई है, इसको मुझे यहाँ पर लाकर लगाना है, ये बंद हो जाएगा और नीचे मुझे नया पार्ट मिलने वाला है, सबसे पहले तो इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ ठीक है, क्योंकि वो मेरे पीछे दोबारा पड़ने वाली है, ये पार्ट यहाँ से लिया और फटाफट मैं इसको यहाँ पर ले जाके लगा देता हूँ, डन, ये करा डाउन और चलते हैं अब यहाँ से हम लोग, अरे डाउन हो जाए यार, एक्टिंग कितनी कर रहा है, ठीक है अगर अब वो मेरे पीछे पड़ेगी ना, मुझे दोनों दरवाजों को एक साथ, मेरे दो हाथ है, दोनों पावरफुल हैंड्स है, दोनों को एक साथ बंद करना है, वो दोबारा आ रही है, इस बारी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भागो भागो, अरे उसको पकड़ दोनों हाथ एक ही दरवाजे पे जा रहे हैं, अरे पागल हो गई, जा यार क्या सीन है भाई इसका, आई थिंक वो जा चुकी है, मैं आ जाऊँ ना प्लीज, यप मैं आ सकता हूँ बाहर, एंड आई थिंक अभी मुझे इसी रास्ते से आगे जाना है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर उसको धप्पा करना होगा दोबारा यहीं पर धप्पा करेगी और मैं इस बार पकड़ा जाऊँगा, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये खींचा यार, तो ओपे यार
क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा भाई? हेलो, ये क्या, ये ओ भाई ओ! नहीं क्या भाई, चक्कर आ गया यार। Let's go. हाँ, पीछे अरे भाई बहुत तेज। नहीं, कहाँ 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 कहाँ, ऊपर जाने, ऊपर जाने यार। मैं इतना मस्त हाथ फेंक रहा हूं, ऊपर पकड़ ही नहीं रहा। अब बहुत हो गया इसका, बात बात पे मेरा पीछा करे जा रही है ना। लेट्स गो, एंड करते हैं इस गेम को। लीवर मैंने डाउन कर दिया है और ये बाहर आ चुकी है। वेट भाई साहब, भागना पड़ेगा मुझे बहुत तेज स्पीड में, मेरे को यहाँ से राइट लेना। वैसे मुझे भी आधे से ज्यादा रास्ते मालूम है, तो मैं लास्ट टाइम वाली मिस्टेक नहीं करने वाला जिसमें मैंने टाइम वेस्ट करा था। बाकी यार ये जो एंडिंग है ना, ये काफी सिमिलर है पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 जैसी, वही एंड में भगदड़। वेट, ये जो पीछे चिल्ला रही है ना, ये बहुत ज्यादा क्रीपी यार कसम से। फटाफट यहाँ से मुझे बाहर निकलना है और जाना है यहाँ से ऊपर फुल स्पीड में। वो आ रही है नीचे, बट अभी वो काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। इसको, अरे नहीं, मेरे को राइट जाना था। तो ये मेरा थर्ड ट्राई है और अगर मैं इस बार भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे डर नहीं रहा हूँ, उल्टा मुझे सारे रास्ते याद हो चुके हैं। पर ये जो भागते हुए आ रही है ना पीछे, और ये जो साउंड इफेक्ट्स बज रहे हैं, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा क्रीपी है। लेट्स गो, मुझे यहाँ से नीचे कूदना है, यहाँ से राइट जाना है। सच्ची में पूरा रास्ता याद हो गया, मैं आँख बंद करके भी खेल सकता हूँ, बट नहीं यार, मैं ये वाला रिस्क नहीं लेने वाला क्योंकि मुझे चौथी बार सच्ची में खेलने का मन नहीं है। ओके, तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से ना भी मुझे जंप मार के जाना है सामने की तरफ में। और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, ओ सामने मुझे यहाँ पर कूदना है। लेट्स गो, ये मैं कूद गया। और अभी कहाँ जाना है, इसको डाउन करना है क्या? हो जा प्लीज़, हो जा, वो आ जाएगी भाई। लेट्स गो, ये डाउन हो चुका है और फाइनली मैं वहां से तो बाहर आ चुका हूँ और आई थिंक अभी मैं सेफ हूँ। यहाँ पर सामने एक और ये मॉमी का फोटो बना हुआ है, बट ये कोई और है। लेट्स गो, यहाँ पर टैप करके रखा है। यू फिर से आ रही यार, ओपन हो, मैं गया। हो जा, अरे ओपन हो गया। नहीं, बहुत टाइम है अभी से आने में। लेट्स गो, यहाँ से। ओ वेट, ये मुझे डाउन करना है क्या? उसका हाथ उसमें चला गया और मैंने उस लीवर को ऑन कर दिया है। और अभी वो उस क्रशर के अंदर फंस चुकी है, उसका एक पैर चला गया। मैं से छोड़ दू ना, खत्म भाई। ये जिंदा ना हो जाए। उई, ये हाथ किसका है? ये मकड़ी तो नहीं है, पर चल दूर हो उसको ले। यार ये तो मर चुकी है, पर इधर से किसी का हाथ आया काफी नुकीला सा, जो कि उसको लेकर जा चुका है। और अभी ये वाला दरवाजा ओपन हो गया है, हमारा एक हाथ, अच्छा एक हाथ हमारे पास ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर कैमरा एंगल बड़ा अजीब सा हो गया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, फटाफट मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। शांति बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी काफ़ी शोर मच रहा था ना, बहुत शांति हो चुकी है। और आई थिंक अभी मुझे बस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाना है और यहाँ से एग्जिट लेना है, क्योंकि वो मर चुकी है। और अभी यहाँ पर हमें परेशान करने वाला और हमें मारने वाला कोई नहीं बचा। लेट्स गो, फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब बस वो हगी वगी ना आ जाए। नहीं, वो क्यों आएगा यार, वो तो चैप्टर 1 का है ना। लेट्स गो, दरवाज़ा ओपन। और आई थिंक अभी मैं गेम स्टेशन पे वापस आ चुका हूँ। लेट्स गो, ये रही वो ट्रेन, बट चीज़ नहीं समझ आई कि अभी भी मैं यहाँ से कैसे एस्केप करूँगा। एमरजेंसी एग्जिट तो वहाँ पर थी ना। ओ, मेरे को लिफ्ट से नीचे जाना है क्या? ओ हेलो, कोड है उसके पास कोई? ओ मेरे पास कोड आया, 1423। हेलो, यस मैंने मार दिया उसे। गुड, आई विल बोर्ड द ट्रेन, वी नीड टू लीव। ओ, ये भी चलेगी साथ? भाई ये डॉल भी हमारे साथ जाने वाली है, इसी का नाम पॉपी है वैसे। लेट्स गो, शायद मुझे यहीं से नीचे जाना है, अभी देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। डन, उसने मुझे एक कोड दिया और ट्रेन के लिए गाइस हमें 3 चीज़ें इकट्ठी करनी थी ना, तो शायद से मेरे को 3 मिल चुकी है। और अभी मेरे को ट्रेन से एस्केप करना है, और वो भी पॉपी भी यहाँ पर पहुँच चुकी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, ट्रेन का गेट जल्दी से ओपन।
अच्छा मेरे को ग्रीन हैंड से ओपन करना है। मेरा ग्रीन हैंड पता नहीं इतना ज़्यादा राइट में को चला गया, ये कोई ग्लिच हो गया मेरे को लग रहा है। ठीक है जो भी, अंदर चलते हैं। और मेरे को ये जो ट्रेन का कोड मिला था ये डालना है बस, 1423। ये कोड नहीं डालना मेरे को, सीक्वेंस वाइज टैप करना है। पहले तो मैं ये सीक्वेंस मिलाता हूँ। वेट, ये दबाया नहीं, डॉग आगे रहेगा। उसका कलर था रेड येलो रेड ब्लू, यानी ये होना चाहिए रेड येलो रेड और ये होना चाहिए ब्लू। और कोड वाइज मेरे को इसे टैप करना चाहिए 1423 है ना, 1423 डन। तो 1423 ये क्या है? अच्छा इससे ट्रेन चलने वाला है। दरवाज़ा बंद, ट्रेन का सायरन आ चुका है। इसको मैं पीछे नहीं खींच पा रहा हूँ अभी भी। वो चल गया, ट्रेन चल चुका है, लेट्स गो। और अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन के थ्रू एस्केप करने वाले हैं। कितना मस्त लग रहा है यार इंजन में आके। और पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इस इंजन में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर नहीं इंजन वगैरह चलने में ना बहुत ज़्यादा शोर करते ही हैं। मैं एक हाथ अपना यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन हैंड दिख नहीं रहा है। दोनों हाथ पकड़ लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पता नहीं है ट्रेन चलकर यहाँ से सच्ची में बाहर ही जाने वाली है ना। ओ यप, ये एग्जिट है, लेट्स गो। ट्रेन की स्पीड कितनी है? स्पीड तो मैं नहीं देख पा रहा, बट इतना पता है कि ट्रेन की स्पीड इस टाइम पर ठीक ठाक हो चुकी है और वो शायद से बढ़ते जा रही है। बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, लीवर और खींचो, पूरी स्पीड बढ़ा देंगे। ओ अच्छा, यप एक सेकेंड, यहाँ से राइट जाने का आ रहा है बट ये मैं थोड़ी। फाइनली हमने शायद से गेम एंड कर दिया, यही है इस गेम का एंड और यही है एग्जिट। और इस टाइम पर वो जो पॉपी डोल है वो हमसे बात कर रही है, खुश है हमने उसे एस्केप कर दिया। यार ये बोलने वाली डोल नहीं होनी चाहिए कभी भी जिंदगी में। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है अभी। यार तो ये बहुत प्यारी एग्जिट है बट यार ये गेम एंड नहीं होना चाहिए, गेम एंड नहीं होना चाहिए। मैं बोले ये क्या है, ये हॉर्न है क्या? हाँ ये हॉर्न है बट कुछ अजीब हुआ अभी, उससे बात चल रही थी। मैं इसे रोक तो नहीं सकता हूँ, ये हॉर्न बजा सकता हूँ बस मैं। अरे ट्रेन की स्पीड बढ़ते जा रही है, कुछ तो गड़बड़ा, भी गेम एंड नहीं हुआ है। क्या है भाई आगे रास्ता ही नहीं एंड है, रास्ते का एंड नहीं नजर आ रहा है, बस बढ़ते जा रही है। ये डाउन क्यों जा रही है भाई ट्रेन? अरे क्या मैं कहाँ से रोक दूँ, चुप हो, स्टॉप ट्रेन। ये देख नहीं खिंच रहा, नहीं खिंच रहा है भाई, बस मैं हॉर्न मार सकता हूँ। ये प्यारा एंड नहीं होने वाला इस गेम का। मुझे लग रहा था बहुत स्वीट एंडिंग हुई है और मैं चाह भी नहीं रहा था ये गेम एंड होए, क्योंकि पॉपी प्ले टाइम सीरीज बहुत तगड़ी है। स्टॉप ट्रेन ना ही कुछ तो गलत होने वाला है। अरे क्या ये दोनों हाथ से खींचना है क्या? नहीं आ रहा यार ये तो। ओ मैं खींच सकता हूँ, ये मैंने ब्रेक मारी। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था बट मेरे को बाद में पता चला कि होल्ड करके रखना है। और ये क्या, अबे यार इससे बढ़िया तो चलती जाती। ट्रेन रोकने की कोशिश करी और ये क्या हो गया, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई तो चल रहा है। हम लोग अभी भी एस्केप नहीं कर पाए। वाह भाई वाह, क्या एंडिंग हुई है। हम लोग अभी भी उस फैक्ट्री में अटके हुए हैं और शायद अब थर्ड टाइम हमें वो मॉन्स्टर मिलने वाला है जिसका हाथ आया था और जो उस पिंक वाली को पकड़ कर ले गया है। लेट्स गो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है थर्ड वाली जब आएगी तब। बाकी आई होप आपको पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 जरूर अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना, इस वीडियो पर एम करते हैं 8 लाख लाइक के लिए। तो जल्दी से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जाके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।